जंगल नायडू सुनो। बोलिए सासू माँ। तेरी बीवी को दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना। तो ये झंडा कौन बांधेगा, तेरा बाप? अपने नेता को आकर बांधने को कहो। ए, अगर मेरे नेताजी को कुछ कहा तो मार दूंगा। पागल कहीं का। जंगल नायडू अपने सर आ गए। अपने सर आ रहे। नेताजी आ गए। जिंदाबाद। इस एरिया में अपनी पार्टी के लिए मेहनत से काम कौन करता है? वो जो भाग के आ रहा है जंगल राइड। इसीलिए इतना उताला हो रहा है। जंगल नायडू। जंगल नायडू यहाँ। नेताजी ने मेरा नाम लिया। ये क्या है, एक इंसान दूसरे इंसान के पैर छू रहा है? अब तो बदल जाओ। भैया जी आपको करीब से देखना ही मेरा सौभाग्य, आपने तो मेरा नाम भी ले लिया। उठो यार। बोलो माँ। शायद पेट में बच्चा घूम गया है। इसे हॉस्पिटल लेके जा। कब से तुझको बार बार बोले जा रही हूँ मैं, लेकिन तू पार्टी पार्टी बोलते बोलते थकता नहीं। सुन, अगर तेरी बीबी को कुछ हो गया ना तो उसका पाप तेरे नेता के सर चढ़ेगा। ए, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसी परिस्थिति? सुनो, मेरी कार में सायरन बजाते हुए इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। जाओ जल्दी करो। मेरी पार्टी से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिवार जरूरी है। अरे राजेश्वरी सर, जल्दी बच्चा होने वाला है, जल्दी आओ। जंगल नायडू तुझे बेटा हुआ है। जंगल नायडू देखा, तुम्हारे बेटे ने नेता के कार में ही जन्म ले लिया। बहुत लकी हो तुम। आपकी कृपा। पापा यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? परसों एमएलए जी का निधन हुआ था ना, इसलिए वापस चुनाव रखा है। साहब जिसको खड़ा करेंगे वही एमएलए बनेगा। भीड़ को लाकर टिकट मांगोगे तो क्या मैं डर जाऊंगा? सोच रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं डरा नहीं रहा। अगर तुमने टिकट इस बार किसी और को दी तो अच्छा नहीं होगा। ए, पार्टी लीडर के तौर पे कब किसके साथ क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, समझे? तुम कौन हो? साहब मैं जंगल नायडू। ए, कौन सा जंगल नायडू? आपकी कार में बच्चा हुआ था ना। विकाराबाद ना। हाँ साहब ये वही है, 10वीं कक्षा में स्टेट फर्स्ट आया है और आपके लिए मिठाई भी लाया। यहाँ दिमाग खराब है, बीच में तो मिठाई लेकर आ गया खिलाने, चले जाओ यहाँ से। देखो अगर तुमने यहाँ कोई भी गड़बड़ की तो। ए, मेरे हर फैसले के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होता है। हाँ बड़ा कारण है, सिर्फ एक कारण है, वो तेरी जात है। चुप कर, बहुत बोल रहा है तू। बोलूंगा, अगर तुमने टिकट मेरे अलावा किसी और को दी तो दोनों को चांस से मार दूंगा। सुन लो, जात को खुश करने के लिए पार्टी को मत बेचो, इतना ही है तो अपनी बीवी को बेचो। क्या? बहुत बकरा है, मार दूंगा साले। ए जंगल नायडू साहब, ये इल्जाम तू अपने ऊपर ले ले यार। क्या? देख देख जंगल नायडू, मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर मैं अभी बाहर गया तो क्या होगा। पार्टी के लीडर के बिना पार्टी नहीं चल सकती ना साहब। अगर ये इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लोगे तो मेरी इज्जत का बदला लेने के लिए गुस्से में ये किया होगा ये सोचकर दुनिया मान लेगी। हाँ कह दो ना, तेरे बेटों को मैं पढ़ाऊंगा, डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा, तेरे परिवार का पोषण मैं करूंगा। ए, मैं तेरा नेता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, विनती कर रहा हूँ तुम्हारे। साहब आप इसकी चिंता मत करिए। पापा आप मान गए हो, मैं इल्जाम लूंगा।
ये इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा, क्योंकि बच्चों को जेल में कम सजा मिलती है। वो एमएलए टिकट आप ले लीजिए, एमएलए बनकर मुझे जल्दी ही बाहर निकाल लीजिएगा। मैं पैदाइशी गरीब हूँ, वो आपकी गलती है। अगर गरीब की तरह ही मैं मर जाऊँ वो मेरी ही गलती होगी। पापा बोलिए, मंजूर है आपको? मंजूर है आपको? बाहर जाकर बोलिए एमएलए का टिकट मेरे पापा को दे दिया है। पापा आप भी जाइए। करने वाली खबर यह है कि बिजनेसमैन केएमआर की बेटी और तीन बच्चियों के किडनैप के विषय में अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। उनके सुरक्षा को लेकर माँ बाप के साथ लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से शहर में बच्चों की किडनैपिंग बढ़ गई है। क्या यह किडनैपर्स किसी एक ग्रुप के लोग हैं या किसी इंटरनेशनल लेवल के हैं? ए भाई, कौन हो तुम लोग? क्यों चेहरा नहीं देखेगा? देखना है। वेरी गुड, क्या चाहिए बोलो। जहाँ तू खड़ा है वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाएगा तो खैराताबाद का सिग्नल आएगा, वहाँ से राइट लेना। थोड़ा आगे जाके लेफ्ट मारेगा तो रेलवे स्टेशन आएगा, उसके ठीक सामने अनीता किराना और जनरल स्टोर आएगा। वहाँ जाकर एक लीटर पानी की बोतल लेकर, पानी ठंडा होना चाहिए। वाटर बोतल के लिए किडनैप किया है तुमने? बिल्कुल है। चार बच्चों को किडनैप किया, उन्हें फिर जाने वाली लोकल ट्रेन में चढ़ाना। उतारना कहाँ है मैं बताऊंगा। बॉटल पे गुस्सा उतारेगा? हाँ फेंक उसे। मेरी फैमिली कहाँ है? अभी तो भेजा उन्हें तेरे लोगों के साथ, तू जिस ट्रेन से आया था। किसी अनजान स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन देने से पुलिस ने गच्ची वाली स्टेशन पर घेरा करके किडनैपर्स को अरेस्ट कर लिया है। किडनैपर्स के कैद से बच्चों को छुड़ाकर सुरक्षित उनके माँ बाप के हवाले कर दिया है। इंफॉर्मेशन देने वाले उन अनजान स्टूडेंट्स का पुलिस डिपार्टमेंट शुक्रिया अदा करता है। ध्रुआ आज 15 सेकंड्स लगे यार। श्योर ना? यप। बराबर ट्रेन हो गए हो। लेट्स गो। बाय 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 बाय। मेरी बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए सरकार का और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया। ग्रेट ना ध्रुआ, मुझे उनके रिएक्शन देख करके बहुत खुशी हो रही है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है और ये तेरे मोटिवेशन का कमाल है। हाँ यार, चाहे जितनी मुश्किलें आए ऐसे काम और करने का मन कर रहा है। सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है यार। यार हम सब लाइक माइंडेड पीपल एंड इट वर्क्ड आउट। तो फिर अपनी पोस्टिंग आने तक, मिलने के बाद इसी स्पीड में जाएंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जिस दिन हमने पुलिस बनने का फैसला किया था उसी दिन से हम पुलिस बन चुके हैं। And let's not wait for the change. Let's be the change. Though even though we face the difficulties of today and tomorrow, I have a dream that one day, this nation will rise.
टुडे आई एम वेरी हैप्पी। ये क्या है पता है? फार्मा इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन। अपनी सरकार एक फॉरेन कंपनी के साथ टाइप करके इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन लाने की कोशिश कर रही है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो 1000 रुपए की मेडिसिन 10 रुपए में मिलेगी। अब कोई गरीब बीमारी से नहीं मरेगा। इससे जनता की बीमारी से व्यापार करने वाली फार्मा इंडस्ट्री सारी क्लोज। अब फ्यूचर में हम डिजीज फ्री इंडिया को देख सकते हैं। क्रेडना तालियां बजाइए, तालियां तालियां। ये क्या? मैं खुशी से बोल रहा हूँ और आप सोच रहे हैं? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अगर अभी इसे नहीं रोका तो अपनी फार्मा इंडस्ट्रीज को क्लोज करके भीख मांगना पड़ेगा हमें। आप ही कुछ कीजिए सर, इसे आप ही रोक सकते हैं बस। इसमें आपको ही कुछ करना होगा सर। ऐसा करने के लिए बहुत लोगों को खरीदना पड़ेगा। निकालो, इतने दिन किडनी बेचकर मेडिकल कॉलेज की सीट बेचकर जितना भी लूटा है सब निकालो, नहीं तो इतने दिन जो भी कमाया है कुछ नहीं रहेगा और आगे भी नहीं कमा सकोगे। अपनी जिंदगी में मनहूसियत को आने से रोकने के लिए इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन को आने से रोकना होगा। एक एक्सीडेंट में मेरे फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई तो उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता ऐसा बताकर उस बॉडी को मॉर्निंग तक ऐसे ही छोड़ दिया। उस दिन उसकी सारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई सर। रूल्स ठीक हैं, लेकिन पहले राजाओं के जमाने में हमारे देश में बिजली की फैसिलिटी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से अंधेरे में पोस्टमार्टम करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम आज तक उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं सर। ऐसे ब्लाइंड रूल्स बहुत सारे हैं सर। सर आजकल तो मोबाइल एप्स भी अपडेट होते हैं, तो करोड़ों की जनसंख्या वाला राज अपडेट क्यों नहीं हो सकता? उस इंसिडेंट ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला सर। दैट्स फाइन। कैन आई शेयर समथिंग मैम? यस गौतम। मेरी सोशल व्यूज के स्ट्रेंथ का कारण ध्रुवा है। एक बार उसने मुझसे कहा, मुंबई में अटैक करते वक्त कसाब की उम्र 18 थी, दिल्ली गैंग रेप में इन्वॉल्व लड़के की उम्र 17, इसके अलावा देश में बहुत से एक्सट्रॉशन रॉबरी करने वाले लड़कों की उम्र 17 या 18 होती है। बुरे इंसान को बुराई सीखने के लिए या उसे बुरा काम करने के लिए वक्त नहीं लगता है, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा काम करने के लिए ना वक्त देखता है और ना ही बहाने बनाता है। इसकी बातों का मुझ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। एक अच्छा काम करने वाले के लिए हर पल अच्छा होता है, ये बोलकर इसने मुझे ये वॉच गिफ्ट की है। इसके हर एक कांटे की आवाज मुझे ध्रुवा की याद दिलाती है, इसीलिए ध्रुवा की इस वॉच को मैं अपने से अलग नहीं करता। क्वाइट प्लीज। सोशल व्यूज आर वेरी वेल डिस्कस्ड बाय आवर वेरियस प्रोफेशनल। तुम लोग रात को दीवार पार करके जाते हो, मुझे पता है। आज रात तक ध्रुवा पार्क होटल में आना चाहिए। ये क्या, एक नया हेडेक? ये SMS किसने भेजा होगा? अगले 10 दिनों में पोस्टिंग है, अगर ये बात सुपीरियर ऑफिसर्स को पता चली तो पोस्टिंग गई यार। हम बाहर 40 लोगों से इजीली डील कर सकते हैं, लेकिन एक सुपीरियर ऑफिसर से बात करना, बहुत टेंशन हो रही है यार। मैटर बड़ा करने से अच्छा इसे प्यार से निपटा। देखो हमने ये काम बीच में रोकने के लिए शुरू नहीं किया है, मिलने के लिए बुलाया है ना, मिलकर उसकी बात तो सुन लेते हैं। ये यहां क्या कर रही है? इतनी सीरियसली क्या बात कर रहे होंगे? मैसेज उसी ने भेजा था क्या? उसी ने। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? जाओ खुद ही पूछ लो, जाओ पूछ लो। अरे, मेरे पापा की तरह मैं भी IPS बनने के लिए सिविल्स पास करके ट्रेनिंग के लिए मसूरी गई। वहीं मैं सबसे पहले ध्रुवा से मिली थी। वाओ, ये कौन है बिबू? हाँ मामा, तेरे लिए ही हॉर्न बजा रहे हैं। हाय। हेलो, बस रोकने के लिए कहिए। क्या बात है, बड़ी मेहनत कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो हमें? व्हाट? सुंदर लड़के देखते ही फॉलो करने लग जाओगे, अगर ऐसे ही फॉलो करते रहोगे तो बुजी इशू इसके साथ शादी करवा दूंगी। हा? मुझे मंजूर है। वो बकरा कौन है यार? ये!
ये तो अंदर आ रहा है। Two minutes. मर गए यार। बुलाने पर कैसे नहीं आएगा सर? बागवत, मोटी तो नहीं चलेगी लेकिन तुम जरूर चलोगी। Stop it. जो सच है वो बताओ। ऐसे मत देखो यार, मतलब ऐसा होता तो अच्छा होता। जो सच है वो बताओ। सच बोलो। अब क्या करें? ये तो आ गया यार, इसने तो सच में ही सीरियसली ले लिया यार। सर सर सर, थोड़ी सी फिकर ज्यादा बोल दिया सर। वैसे आप मुझे कैसे देख सकते हैं सर? सीरियसली मतलब सॉरी सर, सॉरी सर। चुप कर। हम कौन है पता है? आईपीएस ट्रेनी। मेरी फिजिक को आईपीएस कैसे सर? इनके साथ आई हूँ सर। ए चुप, बाहर जाओ वरना केस डालकर अंदर करवा दूंगी। ऋषिका मैं ही हूँ। सुब्रमण्यम जी मेरे पापा हैं। तुम्हारे घर की कीज सर, कैंपस में बिजी हैं। आप इस बस से आ रही है बताकर ये कीज आपको देने के लिए हो जाए। मेरे पापा से क्या कहोगे? आईपीएस क्वालिफाई करके यहाँ तक आई हो, मतलब कितना दर्द झेला होगा जानता हूँ। बीच में मिले इस मौके पर उस दर्द को भूलने की कोशिश कर रही हो, बस इतना ही ना। Have fun. Bye. सब आंखों देखा सच मानकर कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन उसने हमें रॉन्ग सिचुएशन में देखकर भी सही समझा था। वही वो मुझे पसंद आ गया था। उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग लेने वाली हूँ ये सोचकर ही मैं बहुत एक्साइटेड थी। और इतने में एक और एक्साइटमेंट। एक्सक्यूज मी। हेलो ऋषिका, यह रेस हो रही है, मूव, हटो। लिफ्ट प्लीज। प्लीज ऋषिका, मुझे रेसिंग बहुत पसंद है, प्लीज प्लीज। ठीक है। वाह, कौन है ये लड़की? अबे आगे देख वरना गिर जाएगा। गर्लफ्रेंड है क्या? एक्साइटिंग। इतनी आवाजों के बीच मुझे एक आवाज डिस्टर्ब कर रही है, वो है उसके दिल की धड़कनें। इंटरेस्टिंग, ये सुनकर पहली बार मेरी धड़कनें मुझे सुनाई दे रही हैं। रेस की वजह से उसका दिल 150 टाइम्स धड़क रहा था, सिर्फ उसके साथ बैठने से मेरा दिल 200 टाइम्स धड़क रहा था। दिस इज द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। Dear students, welcome to the 89th Foundation Day. The day-to-day life of an ordinary common man goes on undisturbed because of the excellence. That's you. The politicians may be the masters, but you are the actual rulers. And now I proudly announce the topper of the civil service exams, Mr. Dhruva from Hyderabad. Enjoy your party, Dhruva. Thank you, sir. Ishika? Haan, Papa. Jante ho na? Meet my daughter, Ishika. Hi. Pata hai, sir. Jante ho? बताओ क्या जानते हो मेरी बेटी के बारे में? I mean, she's very intelligent. सुंदर है, intelligent है, ये सब नहीं। और भी है क्या सर? इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है, she is very orthodox. पार्टी पब जाती ही नहीं। तुम मेरी बेटी के बारे में बाद में सुना ना? सब क्या कहा? हाँ सुना सर, orthodox है ना?
ध्रुआ पापा वो आप बोले ना सर, रिसेंटली उसे शादी के लिए पूछा था, अगर तुझे कोई पसंद हो तो बताओ शादी करवा दूंगा। पता है इसने क्या कहा? क्या बोली सर? पापा मैं आम की बेटी हूँ, आप जिसे भी पसंद करेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। जो सच है वो बताइए ना सर। वेरी स्मार्ट बॉय, क्या होगा जो बताया उसका उल्टा कर दो। विद्या हाय। हाय। सुंदर व्यू है ना, डिस्टर्ब किया मैंने? नो नॉट एट ऑल। शायद ट्रैकिंग कैंसिल हो गई है, स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया। ध्रुवा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अब यू नो सब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे पर तुम जो मिले सब कुछ उल्टा हो गया। ध्रुवा तुम सब कुछ आसानी से समझ जाते हो, फिर तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? आई थिंक आई एम इन लव विद यू। वैसे मुझे प्रपोज तो करना नहीं आता है, अगर थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो एडजस्ट कर लेना। जो मन में था वो बता दिया। प्रपोज करना नहीं आता फिर भी लव को इतने अच्छे से प्रपोज किया। लव सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, मैं उसकी वैल्यू भी जानता हूं लेकिन उसे रिस्पेक्ट दे सकूं इस हाल में नहीं हूं मैं। ये प्यार व्यार मुझसे नहीं हो पाएगा, आई मीन मैं उसके लायक नहीं हूं। मेरा माइंड, मेरा फोकस वो ना कुछ और है, कुछ और ही है। तुम मुझे पसंद हो, खुद को मत बदलो, जैसी हो वैसी ही रहो, लेकिन ये प्यार की बातें दोबारा हमारे बीच लाकर मुझे उलझन में मत डालना और ना ही खुद इसके बारे में सोचना, भूल जाओ इसे। ध्रुवा कम, मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी। मुझे पता था वो मेरी आंखों के सामने रहा तो मैं उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकती, लेकिन ये डर था कि उसे डिस्टर्ब करने से वो मुझसे और दूर हो जाएगा। पापा के मना करने के बाद भी ट्रेनिंग डिस्कंटिन्यू करके मैंने फॉरेंसिक ज्वाइन कर लिया। आ जाओ चाय पीते हैं। तुम्हारे बीच में हम क्या करेंगे? ओए क्या हमारे बीच? तुम्हारे बीच जो भी हो, लेकिन हम सबके बीच में एक मैसेज है, अगर वो अपने सुपीरियर को पता चला तो। अच्छी तरह समझ गए यार, वेरी स्मार्ट। ओ चलो चलते हैं यार, चल। सीट नहीं है यहाँ भी, सिंगल ही पागल कहीं का। यहाँ क्यों आई हो तुम? यहाँ क्यों आई हूँ? एक्चुअली उस दिन तुम्हारी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी, उसके बाद 6 months तक सिर्फ स्टडीज 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 और कुछ सोचा ही नहीं। कॉलेज वालों ने गले में मेडल भी डाल दिया, इससे मेरे पापा ने खुश होकर कहा ये सब ध्रुवा की वजह से हुआ ना, उसे जाकर थैंक्स कहना चाहिए, तो मैं आ गई। जो सच है वो बताओ ना। रह नहीं सकी इसलिए आ गई। जिंदगी भर मेरा पीछा करती रहोगी क्या? इसे खत्म करो यहीं पे। हाँ नहीं है ध्रुवा, सारी मेडिसिन बराबर चेक किया जी। तुम्हें बहुत जल्दी है, सही मेडिसिन दी है। हाँ वो तो है। भाई 10 तोला होगा भाई। तुमने कैसे सोच लिया कि बिना पर्ची के दवाई मिल जाएगी तुम्हें? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे अरे कौन है तुम? अरे मिशिका अगले सिग्नल पे हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाओ। जाओ जाओ चल निकल जल्दी। चलो चलो देख वो लोग इसी पेपर में वेपन साथ लाए थे। हे करण फोन पे, वो उसे चकमा देके कहीं निकल गए। मुझे तो करण लिसन टू मी, एक चेन स्नैचर की शर्ट होल्ड में मैंने अपना फोन फेंक कर मारा था।
अपने फोन पर फाइंड माई फ्रेंड ऐप ओपन करके मेरे फोन के लोकेशन को फॉलो करते रहो। यस, सिग्नल मिल हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। कॉल द एक्शन। वो गोलकुंडा की तरफ जा रहा है। हाँ। चल। ए, जरा घूमना, फोन यहाँ कैसे आया? अभी चैन चुराकर जब भाग रहे थे तो सिर पे कुछ लगा था, शायद यही था। कोई इशिका कॉल कर रही है। अरे जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर, ला इधर। अरे सिग्नल कट गया। ध्रुवा, लास्ट सिग्नल गोलकुंडा फोर्ट के एंट्री गेट के पास है, बिलाल बिरयानी पॉइंट। कौन सा गेट है? वेस्ट गेट। तो फिर हम लोग ईस्ट गेट के पास मिलेंगे। ओके। बॉयज, ये कॉलोनी गोलकुंडा फोर्ट वॉल से घिरी हुई है। अंदर आने की बस चार एंट्रीज हैं। बीच में 14 गलियां और 500 घर हैं। डेफिनेटली वो लोग यहीं के हैं। चारों तरफ से हर गली में जाएंगे, पक्का यहीं मिलेंगे। लेट्स गो। इधर थे। ध्रुवा, सेम पोस्टर मिला है। आई थिंक वी आर क्लोज टू देम। स्नेचर्स यही हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। हाँ, विजय ने काम कर दिया। हाँ नमस्ते। इंसान की जान तुम्हारे लिए इतनी मामूली है। गुड जॉब ब्रदर्स। गुड जॉब ब्रदर। गुड जॉब। दो महीने से विजयनगर की सारी चैन स्नैचिंग हमने ही की थी। आज भी ऐसा करने गए तो एक को मारना पड़ा। बोलो ऋषिका। फोन स्विच ऑफ क्यों किया? बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा, वो कैसी अब? अपने पति के बारे में सोचकर बहुत रो रही है। अभी सेडेटिव दिया है। वैसे तुम कहाँ हो? ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ध्रुवा, ध्रुवा, हेलो। पागल कहीं का। ये किसका घर है यार? कम, डोंट वरी मैन, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है। चल। ए, रुक रुक रुक, पहले दाया पैर अंदर रख। क्यों बे? ए पंजाबी, मामा को कंफ्यूज मत कर, दाया पैर ही तो उठाया था। तू आ जा मामा। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी फिजिक और वेस्ट थिंकिंग में कोई कनेक्शन है क्या? बॉडी में थोड़ा रोमांस होना चाहिए मामा। अंदर चिकन कबाब रेडी।
चिल मामा, कम ऑन कम ऑन। अच्छा सच में ये तेरे दोस्त का ही घर है ना, समझ गया। ए छोटे हाथी, ओ तो यही आ गए, कम। हेलो, मीट माय बॉयफ्रेंड। इसे कितना भी मारो ये चुप ही रहता है। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, ऐसे निकालती हूँ ऐसे घुसाती हूँ। क्या देख रहे हो, अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो मैं अपने गुस्से की वजह से डायरेक्टली तुम्हें मार देती। यहाँ क्यों लेकर आया यार? तुम दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए। इसकी बात की रिस्पेक्ट करके मैं इतने दिन दूर रही, अब मुझसे नहीं होता इसीलिए मैं आ गई। अरे यहाँ आकर देखा तुम सब दीवार कूद कर कहीं जा रहे हो, और वो अकेले कुछ लोगों से जाकर मिल रहा है। What? अकेला कैसे, हम सब तो साथ में जाते हैं। हाँ? इतने शौक क्यों हो रहे हो, ये अकेले जाता है ये तुम्हें भी नहीं पता था? मैं सच बोल रही हूँ, चाहो तो अपने दोस्त से पूछ लो। क्यों, इश्का ने जो कहा वो सच है? क्यों बे, हमें बिना बोले अकेले ही जाता है? यहाँ साइलेंस प्लीज का बोर्ड नहीं लगा है, बात कर सकता है। ए, मेरी लाइफ में मेरी कुछ पर्सनल बातें, उन्हें तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। ध्रुवा, हॉम मिनिस्टर का नया फ्लैट बन रहा है, उसे नजदीक से जाकर देखो और हैंडल करो। ओके सर। ट्रूप सलामी चालू करेंगे, चालू कर। ये यहाँ कैसे? क्या हुआ, क्यों बुलाया? बुलाया तो इतने सावधानी से पूछ रहे हो, तुम्हें कुछ दिखता नहीं क्या? चार दिन पहले अपनी आंखों के सामने इसने मर्डर किया था, उसे कितनी मेहनत करके हम लोगों ने पकड़ा था। सैल्यूट करने वाले इन हाथ से मुंह छिपाना पड़ा मुझे। छी! अरे इतना होने के बाद भी तू ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुझे हो क्या गया है? आयशिका, मुझे जाना है, तुम लोग आओगे? मजाक कर रहा है, हम कल से देख रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ तेरा मुंह खोलने से पहले हम यहां से नहीं जाएंगे। रामस्वामी की वाइफ जो हॉस्पिटल में थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्या है, क्यों ऐसा किया? मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया, कोर्ट में मेरी गवाही नहीं चलेगी। उसने हेलमेट पहना हुआ था, कैसे पहचाना ये पूछकर पूरा केस रद्द कर दिया। पुलिस, लॉयर, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब कुछ हो ही नहीं सकता है तो मैं जीकर क्या करूंगी, इसीलिए मरना चाहती थी। जिस केस के सारे सबूत सही हो उसकी सुनवाई के लिए 40 साल लग जाते हैं, और वो गलत सबूतों के साथ केस को डाइवर्ट करके 4 दिन में बाहर आ गया। इतना होने के बाद भी हमने कैंपस से बाहर आके क्या किया यार? क्या यार, बोलता क्यों नहीं? तुझे कुछ पूछने उसका जवाब नहीं देगा? पूछा कि अकेला कहां जा रहा है तू, तो तेरे पास जवाब नहीं है। तेरे सामने सब कुछ हो रहा है फिर भी तू पत्थर की तरह खड़ा है, पागल तो नहीं हो गया तू? सही कहा, पागल हूं मैं। अभी जो तू बोल रहा है उसे सुने बिना, तेरे पीछे जो अन्याय हो रहा है उसे मेरी आंखें देख रही हैं। यही मेरा पागलपन है। बात देखो, थोड़ी देर पहले किसी ने रेकलेसली ड्राइव करके किसी को टक्कर मारकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, पश्चाताप करके पेशेंट के इलाज के लिए वो पैसे दे रहा है, ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन वो बचने के लिए रिश्वत दे रहा है, ये सच है। और ये मुझे दिख रहा है, यही मेरा पागलपन है। हमने जिन लोगों को पकड़वाया उनमें से एक आजाद होकर बाहर घूम रहा है, ये देखकर तुम लोग कितने दुखी हो गए। अब तक हमने जिन 32 क्रिमिनल्स को पकड़वाया वो सब आजाद बाहर घूम रहे हैं।
मतलब अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब वेस्ट है क्या? मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। ये है मेरी दुनिया, या मेरे अलावा कोई नहीं आता। अपने दुश्मन के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। ये क्या है, ऐसा तो हम अपने दोस्तों के बारे में कहते हैं। यस, तुम्हारे दोस्त कौन है पता हो तो तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है, तुम्हारे दुश्मन कौन हो पता हो तो तुम्हारी कैपेसिटी पता चलती है। 4 दिन पहले ये हमारा दुश्मन था जिसने रामास्वामी को मारा। वो न्याय के लिए लड़ने वाले एक समाज सेवक थे। सिर्फ एक चेन के लिए उन्हें इस तरह से मारा जा सकता है, इस बात पे मुझे शक हुआ, इसलिए मैं उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन था। वहां मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ये देखो, इरफान अली का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम उस चेन स्नैचर को जितनी बार अंदर करवा दें उतनी बार वो बाहर आ जाएगा। अपने होम मिनिस्टर के साथ इरफान अली ने सिटी के बाहर एक जमीन पे कब्जा करके बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन प्लान किया है। वो जमीन गरीबों को वापस दिलवाने वाला इंसान रामास्वामी थे, इसीलिए उन्हें मार डाला। किसी को शक ना हो इसीलिए चेन स्नैचिंग प्लान करके पुलिस को इस पे भरोसा दिलाकर केस क्लोज कर दिया। अब बताओ तुम, हमारा दुश्मन ये है या वो? अब तक हमने पकड़वाए 32 केसेस के साथ, अपने शक के बिना पर मैंने इन्वेस्टिगेट किए 500 केसेस से जुड़े हैं। ये फुल डिटेल्ड एनालिसिस, इनमें मौजूद हर क्राइम के पीछे चेन स्नैचिंग, बच्चों की किडनैपिंग, ऐसे बहुत से मैनिपुलेटेड प्लान छुपे हुए हैं। तुम लोगों को याद है कुछ दिन पहले किडनैप केस में बच्चों को बचाया था, वो भी पैसों के लिए नहीं हुआ था। पिछले महीने एक हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर शॉर्ट सर्किट की वजह से 18 बच्चों की मौत की खबर तुम लोगों ने सुनी होगी। उनकी मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी। सारे बच्चे बाई बर्थ ही शुगर की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। मैं रोज जो पोलियो ड्रॉप्स देती हूँ उसी तरह ही उस दिन भी बच्चों को मैंने वही ड्रॉप्स दिए, लेकिन देते ही 10 मिनट में सब बच्चे मर गए। घबराकर जब मैनेजमेंट को ये बात बताने गई तो उन्होंने मुझे धमका दिया, अगर ये बात बाहर आई तो हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, इसलिए मेरा मुंह बंद करवाया था। उन्होंने नर्स को पोलियो ड्रॉप्स नहीं दी थी, एक मेडिसिन दी थी जिसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई थी। सिर्फ उसकी वजह से 18 मासूम बच्चों की जानें चली गई। अगर ये सच बाहर आ जाता तो इंडिया के बाकी के फार्मा कंपनीज के गुनाहों का सच बाहर आ जाता, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट में मैनिपुलेट किया गया। इसे ईमानदारी से रिपोर्ट करने आए डॉक्टर रामाकांत जी का मुंह बंद करने के लिए उनकी बेटी को किडनैप किया। सिर्फ उनकी बेटी को किडनैप करने से शक हो सकता था, इसलिए साथ में 3 और बच्चियों को किडनैप किया। इस सारी मेडिकल माफिया को चलाने वाला धीरज चंद्रा है। ऐसे हर एक छोटे इमोशनल क्राइम के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। तुम्हें लगता है हर एक क्राइम के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, ये बात कैसे कह सकते हो? ठीक वैसे ही वो लोग हर बड़े क्राइम के पीछे एक छोटा क्राइम दिखाकर हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। ऐसे अपराध और जुर्मों पर रिसर्च मैंने आज नहीं शुरू की, जब मैं 15 साल का था तब से कर रहा हूं। सभी खबरों की लाइंस पढ़ते हैं, जो लिखा है उसे सच मानते हैं, बट आई स्टार्टेड रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। एक दिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो समझ में आया कि दूसरे पेज और छठे पेज में कुछ तो लिंक है। दूसरे पेज पर लॉरी स्ट्राइकर का अनाउंसमेंट आता है और छठे पेज पर एक्सीडेंट बढ़ने की खबर आती है। एक पेज पर पार्टी को कोई फंड देता है और दूसरे पेज पर उसके कोई करीबी इंसान को जेल से छूटने की खबर। एक पेज पर सोने के दाम बढ़ने की खबर होती है तो दूसरे पेज में अक्षय तृतीया के 2 दिन एक्सटेंड होने की खबर आती है। एक पेज में फॉरेन कॉफी ब्रांड इंडिया में लॉन्च हो रही होती है तो दूसरे पेज पर कॉफी हार्ट के लिए अच्छी होती है, ऐसी खबर होती है। एक्चुअली हम बिजनेस न्यूज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सिर्फ वही बिजनेस पेज ही पेपर में बाकी खबरों को डिसाइड करती है। कुछ व्यापारी जो अपने फायदे के लिए खबरें छपवाते हैं हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमें कौन सा पानी पीना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या पढ़ाई करनी है, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन ही डिसाइड करता है। जनता की किस्मत लिखने वाला एक राजनीतिक नेता हो सकता है, लेकिन उस राजनीतिक नेता की किस्मत लिखने वाला होता है एक बिजनेसमैन। ये जो सारे 500 क्राइम्स हुए हैं वो सिर्फ व्यापार को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए, और इन सब के पीछे सिर्फ 15 लोग हैं। ऐसे क्राइम्स में 500 लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं उन्हें पकड़ने के लिए 5,000 पुलिस वाले हैं, लेकिन इन 15 को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं। मेरा एक इंपॉर्टेंट गोल है, इन 15 क्रिमिनल्स में से जो सबसे ज्यादा क्राइम कर रहा है उसे पकड़ना। अगर वो हाथ लग गया तो सैकड़ों क्रिमिनल्स खत्म हो जाएंगे। हाथ उसी क्रिमिनल पे डालना है और उसे ही मैं अपना दुश्मन बना लूंगा। अगले 10 दिन बाद हमारी पोस्टिंग होगी, उससे पहले मुझे अपने दुश्मन को डिसाइड करना है। बट दुश्मनों को सेलेक्ट कैसे करें? यही है वो 15 लोग
इन सब ने जुर्म को सफाई से करके आसानी से बचने के रास्ते बना रखे हैं, और इनमें से मेन है ये तीनों। 80% क्राइम्स की वजह यही तीनों है। धीरज चंद्रा फार्मा मेडिकल क्राइम्स में इसी की मोनोपोली है। स्टेट में कौन सा डॉक्टर कौन सी मेडिसिन लिखेगा यही डिसाइड करता है। जयंत सूरी इल्लीगल खुदाई करके नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो लाखों करोड़ों गवर्नमेंट को मिलने चाहिए उन्हें ये खुद खा रहा है। इरफान अली ये सिटी में क्रिमिनल सप्लाई करता है। इसके अलावा जमीन कब्जा मर्डर लूटपाट ये सारे इसके अंडर में आते हैं। इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा क्राइम रेट पर है उसका अंत हो सकता है ये मैं प्रूव कर दूंगा। सुपर सुपर ऑसम कमाल। कल पोस्टिंग के बाद हम सब अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े बस एक कॉल करना, हम हाजिर हो जाएंगे। तो फिर तो टारगेट का फिक्स कर रहा है। ये जयंत सूरी अपने ग्रेनाइट क्वारी में होने वाले इंस्पेक्शन को रोकने के लिए संसाधन मंत्री से मिलने वाला है। उस बारे में सारी डिटेल्स पता लगाने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। क्या बात है, तीनों लोग एक साथ हैं? अरे एक इंसान दूसरे इंसान के पैर छू रहा है, अब तो बदलो चलो। सर ने तो अभी मिलने के लिए टाइम दिया है। हाँ सर से मिले हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। क्या यार ग्रेनाइट, वो मेरा बेटा है। उससे मिलने के लिए मुझे 2 महीने लग गए, फिर भी मंत्री के तौर पर मैं हेलो सर। हाय सर, नमस्ते। हेलो सर। राजा पापा एक मिनट, प्रीति वेट करिए। हाँ हाँ। हेलो हेलो प्रीति। हे डार्लिंग। पापा और कुछ लोग आए, लेट हो जाएगा शायद, तुम डिनर कर लेना। ओह नो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ओके ठीक है, अंकल को देना। बोलो बेटी प्रीति। क्या अंकल, डिनर टाइम पे क्या मीटिंग्स, घर ही आ जाते ना। ठीक है बेटा, मीटिंग से खाना इम्पोर्टेंट है ना, भेज रहा हूँ। राजा। स्वीटहार्ट, मैंने ही बुलाया, छोटी सी मीटिंग है, आई जॉइन यू लेटर। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय, लव यू। बच्ची ने तो सही कहा ना राजा, तुम्हारी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है पापा। हाँ राजा, अपने लोग सब तुम्हारे साथ है। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, आप लोग आपस में बात कर लो, है ना राजा। थैंक यू राजा। दो महीनों से लैब में ही थे। There is a reason for that. आप तक पहुंचे बिना ही सारी काम खत्म करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। एंजेलिना किसी भी हाल में इंडिया आना चाहती है, बहुत समझाने पर भी कन्विंस नहीं हो रही। वो मैं देख लूंगा सर। वो रामास्वामी का मैटर काशी पुलिस के हाथ लग गया है, प्रॉब्लम हो गई सर। वही मामला लैब में क्लियर करके आ रहा हूँ। 3 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार रहना। एटलीस्ट तब तक तुम लोग कोई नई परेशानियां खड़ी मत होने देना,
धीरज कम विद मी। एंजेलिना का मैटर बहुत सावधानी से डील करना होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे। ओके सर। इस बच्चे को तुम जहां से उठाकर लाए हो वहीं ले जाकर रख दो। इसके पेरेंट्स को कोई भी रीजन बता देना। एवरी मंथ रिव्यू करो, हमारा फॉर्मूला सक्सेस हुआ या नहीं तभी मालूम पड़ेगा। बाय, आई मिस यू, आई मिस यू। सर ने क्या कहा? अक्टूबर 3rd प्लान के हिसाब से चलने को कहा है, प्लान के पूरा होने तक सावधान रहने को कहा है। हाय, हेलो डॉक्टर। पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु, मैन ऑफ केमिकल मेनिया। वी ऑनर पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु। सिद्धार्थ अभिमन्यु को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वी ऑनर पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया हमें? मैंने अपना दुश्मन सिलेक्ट कर लिया। सिद्धार्थ अभिमन्यु? क्या सांटी सिद्धार्थ? तीनों में से एक को फिक्स करने गया था, लेकिन इन तीनों को इशारों पे नचाने वाला चौथा मिल गया। बाहरी दुनिया के लिए इज अ साइंस जीनियस, लेकिन सच में वो एक हार्डकोर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है। बेसिकली इन तीनों को अपने साथ मिलाकर पूरे क्राइम वर्ल्ड पर रूल कर रहा है। परसों जिस फंक्शन में सिद्धार्थ चीफ गेस्ट था, वहां CM बिना बुलाए चले आए थे। उन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन तो था। हमने जिसे चेन स्नैचिंग में पकड़वाया था, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसे मार डाला। पहले उसकी छाती पर जात का नाम गोदा, फिर उसे मार डाला और उसकी लाश को विजयवाड़ा में फेंक कर जाति के नाम पर दंगे करवा दिए। उसी एरिया में उसके इलीगल साइट्स हैं, वहां इंस्पेक्शन भी रुकवा दिया। और इस तरह एक लाश को भी उसने बड़ी चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। As a young scientist, we find new things every day, but that doesn't make a news. You know what makes a news? हमारी टीम ने आज कोलाबा में बिना सर के एक इंसान को खोजा है। उसके बाद सर को खोजेंगे। खुद ही दंगे करवा कर, खुद उस पर से टायर मारकर स्टेज पर अपनी वाबाई लूट रहा है। 3rd October उसके लिए इंपॉर्टेंट दिन है और मैं इस दिन को उसकी जिंदगी का यादगार दिन बना दूंगा। वो आपके लिए सिद्धार्थ अभिमन्यु है सर, उसका असली नाम एंकना है। जेल के बाहर आया तब वो छोटा बच्चा था सर, उसके बाप ने उसे 4 गुंडे के साथ भेजकर कहा कि पक्का गुंडा बनकर आना। तब उस बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने अपने बाप को गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें MLA बनाया है, मैं गुंडागिरी नहीं करूंगा, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसे हटवा दो। ध्रुवा, तुम सिद्धार्थ के अलावा कुछ और नहीं सोचते क्या? कल स्वेयरिंग सेरेमनी है, परसों पोस्टिंग। अगर तुम लाइफ में दोबारा सिद्धार्थ से नहीं मिल पाए तब क्या करोगे? हम दोनों जरूर मिलेंगे यार, जहां ज्यादा पैसा होता है क्राइम्स भी वहीं होते हैं। सिद्धार्थ पैसों की तलाश में रहता है और मैं क्राइम्स की तलाश में रहता हूं। ये इक्वेशन हम दोनों को जरूर मिलाएगा। यू आर राइट। आर यू रेडी टू शेक हैंड विद द एनिमी? व्हाट? कल हमारी स्वेयरिंग सेरेमनी का चीफ गेस्ट सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ अभिमन्यु। We welcome our chief guest Padma Shri Siddharth Abhimanyu, a great scholar and renowned scientist. His innovative contribution to pharmaceuticals is exemplary. I request our chief. ये बहुत lucky है यार। जिस criminal को इसने select किया है, वही इसका chief guest है। इसी को कहते हैं luck. चुप। Honorable Minister, respected members on the dais and the audience, ladies and gentlemen, and of course, the future of the police groups. मैं जहाँ जाता हूँ, लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मेरे सक्सेस का कारण क्या है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। जिंदगी में एक ही सिद्धांत बनाइए और उस पर चलिए। उसी सिद्धांत को जिंदगी बना लीजिए। थिंक अबाउट इट। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द मेडल विनर्स टू कम फॉरवर्ड। रंजीत IPS, फर्स्ट स्पेशलाइजेशन इन साइबर सर्विस। नेक्स्ट ध्रुव IPS, he will receive an award from our honorable home minister Mr. Niranjan Reddy. Dhruva has received this award as specialized in managing activities involving organized crimes such as political crimes and financial crimes. All the best. Dhruva has one more honor to receive, a special award for his overall best performance of the batch, which will be presented by our honorable chief guest Padma Shri Siddharth Abhimanyu.
Now I kindly request our honorable chief guest to come forward and present this award to Dhruva. He is the best topper for overall action gaming and weapon firing. Congratulations. Thank you, sir. Beretta, beautiful pistol. I'm glad, sir. Welcome. Pistol milne ki wajah se nahi. Aapke haathon mili isliye, sir. All the very best. Ek idea ko hi zindagi banane ke liye kaha. Mera bhi ek idea hai. Aur aap hi mere idea ho. Aur main aapko hi follow karunga. Good luck. Thank you, sir. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स आप ही हैं, इसलिए आप लोगों को सिलेक्ट किया है। सभी ड्यूटी पे आने के बाद क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं, और मैंने क्रिमिनल्स को ढूंढने के बाद ड्यूटी ज्वाइन की। इस वक्त एक दूसरे से पहचान करने का समय नहीं है। यू जस्ट हैव टू बिलीव मी, बिकॉज़ आई बिलीव इन यू गाइस। श्योर सर। अक्टूबर 3rd, उस दिन हमारी सिटी में एक बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है। उसे डिकोड करना हमारा पहला टारगेट है। ये तीनों अपनी सिटी के बड़े लोग हैं, बट अ बिग थ्रेट टू आवर सोसाइटी। इन पर 24 घंटे नजर रखनी है। इनके खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलते हैं उन सब एविडेंस को कलेक्ट कीजिए। गुड। सच में मुझे कुछ नहीं पता सर। वो बात तो सही है सर, उन तीनों का हवाला के जरिए 600 करोड़ रुपए स्विस जा रहा है। वो तीनों मॉरिसस भी जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं। अक्टूबर 3 के दिन तीनों ने अपने अकाउंट से 750 करोड़ हमारे मॉरिशस के ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए कहा है। आप प्रेशर डाल रहे हैं इसीलिए बता रही हूँ। थैंक यू। 3rd अक्टूबर की लिस्ट सर। उस दिन मुहर्रम और देवी के नवरात्रे दोनों है सर, उसी दिन सीएम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम? थर्ड अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 3rd, एंजेलिना किसी भी हाल में इंडिया आना चाहती है। अक्टूबर 3rd को इस लड़की को मारने वाले हैं। इसका नाम है एंजेलिना, जो स्विस की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है, 60% शेयर होल्डर। जेनरिक मेडिसिन की डील साइन करने के लिए इंडिया की फ्लाइट में बैठ चुकी है। 3rd अक्टूबर को होने वाली मीटिंग सभी का जीवन बदल देगी। आपने जो मांगी वो डिटेल्स है सर। उस दिन एंजेलिना आकर एक साइन करेगी तो इंडिया में जेनरिक मेडिसिन आएगा सर। तब कोई भी फार्मा कंपनी वाले कुछ कर नहीं पाएंगे सर। अगर वो हो जाएगा तो 2,50,000 की दवा मात्र 8,000 रुपए में मिलेगी, और 500 रुपए में मिलने वाली दवा मात्र 200 रुपए में मिलेगी। ये तो होना ही चाहिए सर। इसे यहाँ की मेडिकल माफिया होने नहीं देगी। इसे रोकने के लिए सिद्धार्थ स्विस में लैंड कर चुका होगा। Hi. 1,350 करोड़ स्विस में ट्रांसफर क्यों कर रहा है? I can't believe this. इंडिया में सिर्फ पेटेंट राइट्स का इस्तेमाल करके KE27 नाम की कैंसर मेडिसिन को ज्यादा फायदे में बेचते देखा है। इतने पैसे ना होने की वजह से यहाँ बहुत से गरीब लोग मर रहे हैं, ये देख के दुख होता है। पेटेंट राइट्स को ब्रेक करके वो मेडिसिन कम रेट में गरीबों को पहुँचाना चाहती हूँ। क्या आप इसे जानती हैं? सिद्धार्थ मेरी कंपनी का इंडियन मेडिकल एडवाइजर। आपकी कंपनी का एडवाइजर? जब सिद्धार्थ आपका एडवाइजर है तो आपकी कंपनी में इसके शेयर्स क्यों नहीं है? नो नॉट एट ऑल। मेरी कंपनी के 60% शेयर्स बेचने के लिए 2-3 बार फोर्स किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। दैट्स इट। यानी कि 1,350 करोड़ स्विस में ट्रांसफर आपके 60% शेयर्स खरीदने के लिए कर रहा है। द स्टेज इज सेट ब्यूटीफुली। यहाँ आपको मारकर वहां मार्कस के साथ मिलकर आपके शेयर्स खरीद कर सिद्धार्थ कंपनी का डिसाइडिंग अथॉरिटी बनकर और जेनरिक मेडिसिन को इंडिया में आने से रोकना
इन सभी को उसने एक साथ प्लान किया है। डोंट वरी, योर सेफ्टी इज माय रिस्पांसिबिलिटी। थैंक यू। कल हमारे लिए दो टास्क है। पहला, उन 1350 करोड़ को स्विस अकाउंट में ट्रांसफर होने से रोकना, और उसे रोकने के लिए इन तीनों को एक साथ अरेस्ट करना होगा। और दूसरा, एंजेलिना की मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जेनरिक मेडिसिन इंडिया में आना ही चाहिए ताकि हर गरीब को इसका फायदा मिल सके। एस सिद्धार्थ अभिमन्यु पहली बार वो मात खाने जा रहा है, और वो इसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बॉयज, सप्लायर के मुताबिक ही मूव करना। ओके ओके सर। ध्रुवा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे ठीक पीछे। जेसी, वेयर आर यू? आपकी गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ सर। ओके, थैंक यू फॉर द वार्म अप एंड द अपॉर्चुनिटी। गुड फॉर आवर शेयर्स एंड बिजनेस एज वेल एज योर्स। सर, इरफान हमारे सामने कार रोककर खड़ा है, बट नथिंग सस्पिशियस सर। बिना रीजन के वो वहां नहीं रुकेगा। कीप अ वॉच। Guys, be alert. Yeah, okay, sir. Sir, आपके सामने दुर्गा माता की झांकी आ रही है सर। What? उसका ये रास्ता तो नहीं था। जरूर दंगा होने वाला है। दंगे के बीच टारगेट को मारना उसका प्लान है। कार से कोई नहीं उतरेगा। ओके सर। इशिका, इशिका, इशिका! क्या हुआ? अगर तुम्हारी गोली एक एंड से चूक जाती तो मैं डायरेक्टली ऊपर चली जाती, यही चाहते थे? ये मजाक का समय है क्या? पता कितना घबरा गया था। चलो अच्छा है, इतना कंसर्न तो है। ए, कौन है तुम लोग? एंजेलिना इज फाइन सर, उसी होटल में रखा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। गुड,
call from India? What the hell happened out there? Wait, Aval. Have you been trying to kill me? I have done nothing wrong. Once I put step on Swiss soil, you're finished. Please wait, Angelina. Shh. It's 10 o'clock now. You said she will have been dead by 9:30. My career is finished. I'm done. Marcus, look, I'll take care of this. Just give me 5 minutes. Just 5 minutes. कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? कानून अपना काम कर रहा है राजा, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिया? ये बात तो मुझे बिना पूछे नहीं बता सकते थे। पैसे के बगैर ये डील मैं कैसे पूरी करूंगा बताओ। पैसों के लिए परेशान हो रहे हो? कितने रुपए चाहिए बोलो राजा, ट्रांसफर करवा देता हूँ। पहले जाकर उन्हें बाहर निकालो। अब्बास, बोलिए सर। तुम्हारे भाई इरफान को जो काम दिया था वो पूरा नहीं हुआ। मैं फिनिश कर दूंगा। आगे जाकर राइट लो। तुम यहां मत रहो, थाने चले जाओ। ओके सर। जब मैं फोन करूंगा तब आना। मैं अच्छा हूँ सिद्धार्थ जी। मुझे अर्जेंटली 1350 करोड़ चाहिए। 13,500 करोड़? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने उधार दिया ऐसा बोल रहे हो? आपके लिप्टिनस्टन अकाउंट से मेरे जिनीवा अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। व्हाई द हेल शुड आई पे यू? बैंक डिटेल्स आपको मेल कर दिया है। मैं कौन हूँ पता है? मेल के साथ एक अटैचमेंट भी भेजा है। अटैचमेंट? उसे देख कर फैसला कीजिए। मिस इंडिया। ओके ओके, मैं भेजता हूँ। Welcome our Honorable Chief Minister to attend the meet for generic medicine with Picks and Company. 20 मिनट में मीटिंग शुरू होगी। एंजेलिना को लेकर आने के लिए बोला गया है। मैडम भी रेडी हैं। मैं लेकर आ जाऊंगा। ओके। सो सर। रविंदर। अर्जेंट है कहकर उन्होंने मेरे मोबाइल से स्विस कॉल किया था। क्यों करने दिया? टेस्ट होने के चांसेस है ना? सॉरी सर। कम इन। हेलो मैम। आई कैन बिलीव व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी। यू शुडंट हैव मेड दैट कॉल। दे कैन डेफिनेटली ट्रेस यू। आई नो, बट व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? क्या हुआ सर? ये भाई गाड़ी में छूट गई थी सर। ओके। बेटर बी सम गुड न्यूज। एंजेलिना इज क्लोज सर। बीच में आए सिपाही को भी मार डाला। एक्सेलेंट। कल मेरे इंडिया आने तक इसमें शामिल सभी लोग मर जाने चाहिए। कोई नहीं सर, उन तीनों को अरेस्ट करने वाला, एंजेलिना को सेव करने वाला एक ही है। अकेला? कम दाम में दवाइयां लोगों तक पहुंचाने के अच्छे उद्देश्य के साथ जेनेरिक मेडिसिन को इंडिया में लाने के लिए अपनी शर्त पर दस्तखत करने यहां आई मिस एंजेलिना जी की हत्या की गई है। इसका मुझे बहुत दुख है। इस हत्या की तहकीकात पुलिस कर रही है। अभी के लिए ये जेनेरिक मेडिसिन का समझौता अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जो भी करना ध्यान से करना। सिद्धार्थ से सावधान रहना। सावधान रहने की जरूरत मुझे नहीं, उसे है। भले ही बुलेट मुझे लगी है लेकिन चोट उसे पहुंची है। 20 सालों में जो अंधेरे में था उसे 2 दिनों में बाहर ले आया। सावधान तो अब उसे रहना होगा। तू बेफिक्री रहेगा लेकिन तेरे लिए कोई अंदर आए बिना बाहर परेशानी खड़ा है।
परेशान किस लिए? मैं तो ठीक हूं। बुद्धू कहीं का, पता नहीं ये कब समझेगा। गुड इवनिंग सर। चाबियां मुझे देकर जाओ। जी। ड्राइवर को क्यों भेज दिया? जो तारीख बोला था उससे पहले ही आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है। राजा, धीरे चंद्र को और जयंत सूरी को रिलीज करवा दिया है, उन पर से LLR भी हटवा दिया है। FIR। जो भी आ रहो राजा, ऐसे क्यों देख रहे हो राजा? जो तुमने कहा था वो मैंने किया ना। दोपहर में लंच किया था। किया था राजा। मैंने कहा था करने को। सॉरी राजा। क्या सॉरी? पूछ के करने को कहा तो हर चीज पूछ पूछ के ही करोगे। नाराज मत हो राजा, तुमसे पूछे बिना मैं खुद फैसले लेकर गलती करने के बजाय तुमसे पूछकर गलती करने में एक अलग ही खुशी मिलती है राजा। तुमने बचपन से तो ये चाबी भरी हुई है ना। पहला, कहीं बाहर जाते समय सर उठाकर छाती चौड़ी करके जाना चाहिए। दूसरा, हंसना जरूरी होने पर भी किसी भी हालात में ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। तीसरा, तुम्हारे बताने तक मेरा मुंह खुलना नहीं चाहिए, तब जाकर ये दुनिया मुझे बुद्धिमान समझेगी। अब तक तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सडनली बदलने के लिए ये कोई गमछा थोड़ी ना राजा, करेक्टर है ना। आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? है क्या? नहीं है? तुमने मुझे जो लिस्ट बोली थी उसमें नहीं है तो मैं लिख लूं क्या? पापा, इवन अ स्पैरो हैज अ बिगर ब्रेन देन यू। स्पैरो। गमछा पहन लो। ये क्या है सर? पोस्टिंग लेकर एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हमको ही अंदर कर दिया। सोचो तो लगता है वो तो आपके पिताजी के दिमाग की वजह से बाहर आ गए। आपने मना किया इसलिए रुक गए, वरना मैं उसे तो हॉस्पिटल में ही मार देता हूँ। उसने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया पता है? नहीं पता सर। जानते हो मैं स्विट्जरलैंड क्यों गया? नहीं सर। वो जानता है। तुम तीनों मेरे लिए काम करते हो, तुम्हारा भाई अब्बास जानता है? नहीं सर। लेकिन वो जानता है, पहली बार मुझे किसी ने अंधेरे से बाहर निकाला है। एक छोटा सा फॉर्मूला पता लगाने के लिए सारी उम्र लग जाती है। ऐसे में सिद्धार्थ अभिमन्यु के फॉर्मूले का उसने पता लगा लिया है। ऐसे इंसान को हॉस्पिटल में मारोगे? तू यहाँ क्या कर रहा है? इसे मैंने बुलाया है। उसका नाम ध्रुवा है, उसके माँ बाप नहीं है, अकेला है। पुलिस उसका पैशन है, जैसे आपका रिसर्च लैब है वैसे उसका भी एक लैब है। एक आइडिया को ही जिंदगी बनाने के लिए कहा और मैं आपको ही फॉलो करूंगा। गुड लक। थैंक यू सर। अब तक बहुत लोगों ने मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उन सबको बिना कोई लिहाज किए मैंने अपने पैरों तले कुचल दिया है। लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे ख़त्म करने के लिए मेरी पूरी लाइफ की स्टडी की है। मेरे माँ बाप कौन हैं, कहाँ बड़ा हुआ, कौन सी पढ़ाई की, मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्लान्स सब कुछ एनालाइज किया। अपने दुश्मन के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। सारे चीजों के साथ ये चीज भी कलेक्ट की है पापा। बापरे, क्या डेरिंग दिखाई है ना। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। शायद राजा बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। उसका नाम बताओ, उस एरिया काउंसलर को उसके घर भेज के करंट कनेक्शन, वाटर कनेक्शन कट करवा दूंगा। राजा, उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड भी रद्द करवा दूंगा। उसका पासपोर्ट कैंसिल करवा के दिल्ली जाने पे भी रोक लगा दूंगा। दिमाग बेटा, दिमाग। इम्प्रेसिव। उसकी कैपेसिटी पता लगाऊंगा। क्या एक और सर्जरी करना जरूरी है डॉक्टर? बिल्कुल है। सॉरी मिस्टर ध्रुवा, देयर हैज बीन अ स्मॉल कॉम्प्लिकेशन। आपका ऑपरेशन हुआ था, वहाँ ब्लड क्लॉट हो गया है, सर्जरी करके उस क्लॉट को हटाना होगा। डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज होना है, मुझे बहुत काम है। रिलैक्स मिस्टर ध्रुवा,
इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी, कल सुबह ही डिस्चार्ज कर देंगे, लेट करने से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। प्लीज। ओके डॉक्टर। क्या हुआ? सिद्धार्थ। What? क्या बोल रहे हो? सिद्धार्थ आया था। ध्रुवा? ध्रुवा? ध्रुवा क्या हुआ बताओगे? कोई नहीं है। मैंने देखा उसे। तू चल ना यार। कोई नहीं है यहाँ। ध्रुवा तुम अंदर चलो, तुम्हें चोट लगी है। सर सर क्या कर रहे हैं सर? क्रेडिट दिया है ना सर? आप अंदर आइए प्लीज। नशे में ये सब बोल रहे हो? मुझे पता है सिद्धार्थ आया था। तुम चल ना। चलो अंदर चलो। कोई नहीं आया है। कोई नहीं है। तुम नशे में कुछ भी बोल रहे हो। अब तुम आराम करो। सोच रहे हो, नशे में कुछ भी बोल रहे हो। नशे में नहीं, ट्रस्ट मी, वो आया था। कोई नहीं आया था यार। मैं सच कह रहा हूँ, वो आया था और उसने मुझे देखा। डॉक्टर राम वर्मा, ये एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है। अगर आप इसे उसके बॉडी में इम्प्लांट कर दें, तो मैं 24 घंटे उसे मॉनिटर कर सकता हूँ। लाइव ऑडियो भी सैटेलाइट के जरिए सुन सकता हूँ। इससे वो कहाँ है, किससे मिल रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मुझे क्लियरली पता चल जाएगा। ने कहा था वो इंडिया में नहीं है, अगर वो यहाँ आया होता ना तो तुझे मारे बिना नहीं जाता। उसके बारे में सब जानने के बाद भी मैंने एक वजह से उसे जिंदा छोड़ रखा है, तो मुझे भी ना मारने के पीछे उसके पास कोई तो वजह रही होगी। इशिका, मेरी कार आ रही है। ये भी कार ही है, इसके भी व्हील्स हैं, स्टीयरिंग भी है। चलो। गौतम जरूरी काम से शमशाबाद गया है, तुम्हें बताने को कहा था। मैंने भी उसका मैसेज देखा। बोलो बोलो, जितना थैंक्स बोलना है बोलो। लवर्स के बीच नो थैंक्स नो सॉरी। हे डार्लिंग। हाय। वैसे हम लवर्स नहीं है ना? अंकल आए हैं। ही इज वेटिंग फॉर यू। लेट्स गो। 2 मिनट्स। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि नेक्स्ट डोज लेने तक ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं घर जाकर अभी आती हूं। याशिका, इट्स ओके। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ए, उसे क्यों निकाल रहे हो? मुझे काम है, मुझे जाना है। दिमाग खराब है? अभी आए और अभी जाने की बात कर रहे हो? इशिका, बहुत जरूरी काम है, तुम जाओ। हमेशा अपनी मर्जी चलाओगे? क्या है इतना इम्पोर्टेंट? जब मैं हॉस्पिटल में था तो सिद्धार्थ के बारे में एक कॉल आया था। एक लड़की जो लापता है उसके जरिए मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी सोचा था। बाद में पता चला वो लड़की लापता नहीं है, उसका रेप करके मार दिया गया था। कौन है वो लड़की? साइंटिस्ट अक्षरा। पता था उस रेप के पीछे कोई ना कोई जरूर मोटिव होगा, इसलिए उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बुला के इंक्वायरी की। उसका नाम है कमल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चार लोगों ने बेरहमी से रेप करके मार दिया, और फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं? सर, सच में मुझे कुछ नहीं पता सर। जब मैं हॉस्पिटल में था मुझे उसका कॉल आया। सॉरी सर, उस दिन आपसे झूठ कहा था, समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं। अब आप पर भरोसा है सर? सर, अक्षरा मेरी जान है, वो सिद्धार्थ की मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट का काम करती थी। उस लड़की का बेरहमी से रेप करके मार दिया सर। सर, उसने मुझे एक एसडी कार्ड भेजा था सर, उसमें उसने सिद्धार्थ के बहुत से अपराधों के बारे में बताया है। मैं आपको वो एसडी कार्ड दे दूंगा, आप उसे सजा दिलवाइए सर, प्लीज। जब तक मैं तुमसे दोबारा ना मिलूं इस बारे में किसी से बात मत करना। अब उस कमल से मिलने के लिए उसके कॉलेज गेट तक जा रहा हूं, और अगर वो एसडी कार्ड मेरे हाथ लग गया तो सिद्धार्थ का खेल समझो खत्म। दुनिया आपको एक अच्छा इंसान समझती है सर। सर प्लीज सर, अगर ऐसी मेडिसिन की खोज हमारे देश ने की तो दुनिया के सारे मेडिकल इंडस्ट्रीज अपने देश के गुलाम बन जाएंगे सर। तुम सारी दुनिया को इंडिया का गुलाम बनाना चाहती हो, और मैं इंडिया को गुलाम बनाना चाहता हूँ, बस सिंपल। ऐसा करना आपको गलत नहीं लगता? ख्वाहिश जगा कर देखो, कुछ भी गलत नहीं लगता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सर, मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। आप जेनेरिक मेडिसिन को रोकने के लिए स्विस कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं। आपके असली रूप के बारे में एंजेलिना मैडम को बता दूंगी। मेरी एक बुरी आदत है, ये बात किसी से मत कहना। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं बोलता। आप चाहे मेरी जान भी ले ले, लेकिन मैं आपके सच को बाहर ला कर रहूंगी सर। प्लीज सर,
स्ट्रेंज उसके बारे में पता लगाने के लिए बग लगाया था, लेकिन मेरे बारे में पता चल रहा है। मेरी गलतियों को वो मुझे दोबारा याद दिला रहा है। हाउ स्टूपिड एम आई? सोचा था अक्षरा का केस क्लोज हो गया है, उसका बॉयफ्रेंड भी है, ये पता नहीं लगा पाया। गलती कर दी सिद्धार्थ। राजा तुम और गलती? वो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा एम्प्लॉय है। मेरे खिलाफ क्या हो रहा है ये पता लगाकर मुझे बताने वाला बिना तनख्वाह का इन्फॉर्मर है। देख लेंगे, देख लेंगे। मैं देख लूंगा। तुम ही देख लेना। लंच करें क्या? एसडी कार्ड कहाँ है? पता हाय ध्रुवा, कैसा है? गौतम तुम शमशाबाद में ही हो ना? हाँ, क्यों? किसी जरूरी काम पर हो क्या? छोटा सा चोरी का केस है, तुम बताओ। ओके लिसन, कमल 25 मीडियम बिल्ट, उसके पास एक एसडी कार्ड है, उसमें सिद्धार्थ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वो मुझे देने वाला था। एक्चुअली हमारी बात हुई थी कि वो जो सीएमआर कॉलेज में पढ़ता है शमशाबाद से 15 किलोमीटर दूर, वो वहीं मुझे मिलेगा। अब वो फोन नहीं उठा रहा है, आई सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, छोटी सी हेल्प चाहिए। या श्योर, आगे बोलो क्या करना है। अगर मेरे जाने के बाद वो यहाँ आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। So 24/56 बैंक स्ट्रीट मथुरा नगर, ये उसका एड्रेस है, तुम्हें पर्सनली जाकर उसे मिलना है। हाँ ठीक है, आई एम गोइंग राइट नाउ। थैंक्स गौतम। कॉल अब्बास। अब्बास, गौतम नाम का पुलिस वाला वहाँ आ रहा है, एसडी कार्ड उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। यस सर। अबे पुलिस आ रही है, जल्दी कर। कब से पूछ रहा हूँ, बता एसडी कार्ड कहाँ है? एसडी कार्ड कहाँ है? चा, चा, चा। कमल, कमल, जिसे किसी भी हाल में धुआं सर को जाके दे दीजिए, किसी भी तरह दे दीजिए सर, तुम्हें कुछ नहीं सर, प्लीज सर। कमल, 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 यस अब्बास। सर वो पुलिस वाला भाग गया, वो एसडी कार्ड उसी के पास है, लेकिन कैसे भी करके मैं उसे पकड़ लूंगा। डैम इट। ध्रुवा। ए, क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? या होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन अब्बास। सॉरी यार, मैं कमल को नहीं बचा सका, वहां बहुत कुछ हो गया यार। एसडी कार्ड मेरे हाथ में देके वो मर गया, तू कहां मिलेगा? तुम गच्ची बोली की तरफ आओ, मैं वहीं आकर के एसडी कार्ड ले लूंगा। ओके अब्बास, गच्ची बोली की तरफ आओ, मैं कॉल करूंगा। अगर यहां ना मिलकर 1 किलोमीटर आगे मिलता तो वहां केमिकल फैक्ट्री में तुझे मारकर केमिकल में मिला। कुछ महीनों में यह नई फैक्ट्री ओपन करने वाला हूं,
और उसका मुहूर्त तेरी मौत से होगा। मैंने जो क्राइम किए हैं उनमें से ये 0.0001% है बस। पिछले 20 सालों में मैंने बिजनेस पे जितना फोकस नहीं किया, क्राइम करने के बाद उसके निशान मिटाने पर ज्यादा फोकस किया है। मेरे छोड़े हुए किस अणुओं से निकल कर आया है वो ध्रुवा। तेरे छोड़े हुए अणुओं से नहीं, तेरे नेटवर्क का नामो निशान मिटाने के लिए पैदा हुआ है ध्रुवा। अरे ज्यादा सपने मत देख, उसका फ्यूचर तुम्हें मैं बताता हूं। सुन, उसके आसपास के लोगों को दूर करके उसके इमोशन पर वार करूंगा और उसे पागल बनाकर खत्म कर दूंगा। चांस ही नहीं है ध्रुवा को तुझे खत्म करने के अलावा कोई इमोशन नहीं है। अबे मैं बोल रहा हूं, तेरा बुरा टाइम आ गया है, तेरा बुरा टाइम आ गया है, लिख के ले ले तू। टाइम टाइम आ गया है तेरा टाइम, अब तू खत्म। तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। सर पूरी बाइक छान मार ली, एसडी कार्ड कहीं नहीं मिला। एसडी कार्ड कहाँ छुपाया है, कहाँ छुपाया है? एसडी कार्ड कहाँ है? बोल। अब्बास। बोलना। पता एसडी कार्ड कहाँ है? बोल। नहीं बोलूंगा। अब्बास। नहीं बोलूंगा। इससे कोई फायदा नहीं है। अब हम इसी के मोबाइल से मैसेज भेजकर इसके सर को बुलाते हैं। गौतम, 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 गौतम। गौतम, गौतम, ए, छोड़ दो, ए, 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 गौतम, छोड़ दो, गौतम, 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 ए, गौतम, गौतम। ड्रग्स के नशे में अर्धनग्न हालत में घूमते हुए सड़क दुर्घटना में आईपीएस ऑफिसर की मौत। उसकी मौत से ज्यादा ये पढ़कर दुख हो रहा है। वैसे इंसान की ऐसी मौत। लेकिन उस एसडी कार्ड के बारे में तो किसी को पता नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे पता कैसे चला। विशिका,
क्या तुमने उस पेन को बदला? कौन सी पेन? नहीं तो क्यों पूछ रहे हो? वो पेन वहां नहीं थे। अगर हम दोनों ने नहीं बदला तो किसने बदला होगा? या कोई आया था क्या? या खुद सिद्धार्थ आया था? ऋषिका, इस पर जो फिंगरप्रिंट है उसे टेस्ट करो। हे डार्लिंग। हे। जरा इसे पकड़ना। अगर सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट रेफरेंस होते तो आसान हो जाता। ये लो, हाँ? इस गन केस पर सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट्स हैं। Are you sure? Of course. उस दिन उसी ने मुझे प्रेजेंट किया था। तब से मैंने इसे टच नहीं किया है। उस दिन जब मैं इसे ले रहा था तो मैंने ग्लव्स पहने हुए थे। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। सिद्धार्थ यहां आया था मतलब मुझे सीरियसली ट्रीट करना शुरू कर दिया उसने। फोटो में इसी लड़की को पिन क्यों किया? ये लड़की 2010 के मिस इंडिया नैना है ना? ये रही उस इवेंट की फोटोज। वैसे ये लड़की प्रीति सरोही है ना? प्रीति सरोही? यस, सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड। हाउ इज द वाइन? एक्सेलेंट। नैना जिसकी फर्स्ट पोजीशन थी वो उसके साथ स्विट्जरलैंड में थी और प्रीति इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। समथिंग इज रॉन्ग। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। हे, कॉन्स्पिरेसी ऑन एंटायर इवेंट नाम से एक लिंक है यहाँ। एक्चुअली प्रीति को ही ज्यादा सपोर्ट मिला था, इसलिए नैना के जीतने के अगेंस्ट में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। जैसा आपने कहा था, प्रीति सरोही आज की मिस इंडिया क्राउन विनिंग कैंडिडेट होगी। ये लगभग तय है। मिस वर्ल्ड बनने के उसके चांसेस भी ज्यादा है। नहीं, वो मिस वर्ल्ड बनकर दुनिया में नहीं घूमनी चाहिए, मुझे ही दुनिया मानकर मेरे आसपास घूमनी चाहिए। मैं यहाँ से जाने से पहले उसके दिल में बस जाना चाहता हूँ। कंटेस्टेंट में कौन हमारे काम आने वाले हैं देखिए। आपकी क्वालिटीज के साथ मैच करने वाली एक लड़की है, नाम है नैना। मेक हर नंबर वन। फाइनल राउंड शुरू होने वाला है, उससे पहले कहिए कि उसके पिताजी की मौत हो गई है। What? मौत हो गई? हो जाएगी आधे घंटे के अंदर। इरफान उसके बाप को मार देगा। प्रीति को हैदराबाद पहुंचने के लिए फ्लाइट नहीं मिलेगी। ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि वो मेरी चार्टर्ड फ्लाइट में आए। ध्रुवा, ये 8 क्या है? सिद्धार्थ की बर्बादी। कमल 25, मीडियम बिल्ड, उसके पास एक एसडी कार्ड। सर आपका ब्रेकफास्ट, और आपने मांगा था ना डी? न्यूज़पेपर है ना? उसे बाहर रखो। Yeah.
थैंक यू। ध्रुवा, ये सब क्या है? क्या हुआ? ये खून कैसे निकला? छोड़ो, कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना? कुछ मत पूछो, चली जाओ यहाँ से। ध्रुवा तुम इशिका जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, हम सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही तो हैं। अब भी सिद्धार्थ से छुपकर प्रीति से मिलने के लिए 4 बजे की अपॉइंटमेंट ली है मैंने। कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। मिले तो हाँ, बोलो, मिलने से क्या फायदा होगा? वो भी उसे नेक्स्ट मिनट में ही पता चल जाएगा। मेरे हर एक मोमेंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है। इसे पढ़िए। जैसा है वैसा ही है ना? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, उस कमल को मार दिया, मेरे गौतम को मुझसे दूर कर दिया उसने। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। जो लोग भी मेरे इमोशन से जुड़े हुए हैं उन्हें वो एक एक करके दूर कर रहा है मुझसे। सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है ना? बचा ही क्या है? जब तुमने कहा कि अपने कैपेसिटी के बराबर अपने दुश्मन को सिलेक्ट करो तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था। दुश्मन को तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उसे ऑब्सेशन में बदलकर तुम अपने आप को खो रहे हो। क्यों ध्रुवा, तुमने जिस सिद्धार्थ को टारगेट किया था अब तुम खुद उसके टारगेट हो। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक सिद्धार्थ है, लेकिन वो तुम जैसों को पीछे छोड़कर बढ़ता जा रहा है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ। ये तुम ही हो ना ध्रुवा, सबको तुम्हारा शांत स्वभाव ही अच्छा लगता है। ध्रुवा, उसे कैसे खो दिया तुमने? जरा शांति से सोचो, सब कुछ लौट आएगा, नहीं तो जो बचा है वो भी खो दोगे। मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ जीना है, उस वजह से ये सब नहीं बोल रही हूँ। ध्रुवा के जीतने के लिए बोल रही हूँ, जीतने के लिए। जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। शांत स्वभाव ही अच्छा लगता है ध्रुवा, उसे कैसे खो दिया तुमने? जरा शांति से सोचो, सब कुछ लौट आएगा, नहीं तो जो बचा है वो भी खो दोगे। मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ जीना है, उस वजह से ये सब नहीं बोल रही हूँ। ध्रुवा के जीतने के लिए बोल रही हूँ, जीतने के लिए। जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अब भी सिद्धार्थ से छुपकर प्रीति से मिलने के लिए 4 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। कॉल प्रीति। हे स्वीटहार्ट। आई डोंट नो। कहाँ? Maybe a ride or something. कितने बजे चलें? 4 o'clock. 4 o'clock. मेरा ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। मैं अभी घर आऊंगा। I'll join you for lunch. What do you say? Okay, darling. I'll see you then. Love you, sweetheart. Love you too, darling. प्रीति को मारने वाला हूँ। क्या? प्रीति को? कुछ बताने से पहले थोड़ा टाइम देकर बोला करो राजा, वरना मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। जब उसे पहली बार देखा था, my heart slipped away. लाजवाब प्लान बनाकर उसे हासिल कर लिया। I think I love her. और प्रीति ने मुझे धोखा दिया है। मुझसे झूठ बोलकर इशिका से मिलने जा रही है, ये धोखा ही है ना? झूठ बोलने पर मुर्गा बना सकते हैं, उठक बैठक करवा सकते हैं, लेकिन अगर सीधे ऊपर भेज दोगे तो कैसे चलेगा राजा? थोड़ा सोच। 1 kg डार्क चॉकलेट केक। केक? खाने का है क्या राजा? Anything special, sir? For someone special. Okay. हेलो इशिका। बोलो। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, घर आ सकती हो? नहीं, अगर कुछ बात है तो फोन पर बोलो। एक बार रात हो जाओ प्लीज। ये क्या, अचानक आवाज ही बदल गई? तुम ध्रुवा ही हो ना? हाँ, अगर आओगी तभी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, आ रही हूँ।
एक्सेलेंट। ध्रुवा इशिका को प्रपोज करने वाला है, इसीलिए घर बुलाया है। बहुत खुशी की बात है राजा। मैं अपने लवर को मारने वाला हूँ और वहां वो दोनों प्यार कर रहे हैं। प्रेमिका के मरने का दर्द क्या होता है ये उसे भी पता चलना चाहिए। इसीलिए इशिका को प्रपोज करने के तुरंत बाद ही इशिका को मार दूंगा, तब उसे ये दर्द पता चलेगा। दर्द तो होगा, इसलिए तुम जो भी हो, आपसे बात करने के बाद मुझे एक क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी? थैंक्स फॉर द हेल्प। दो लोगों को मरवाने में मैंने हेल्प की क्या? ये कैसे हो गया? जरा शांति से सोचो, सब कुछ लौट आएगा। अब्बास, वेयर आर यू? 2 मिनट सर, आई विल बी इन पोजीशन। ओके। सिद्धार्थ आया था। एक और सर्जरी जरूरी है क्या डॉक्टर? इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी। इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी। इश्क़ के कार अंदर आ गए है सर। सर कार से उतर कर जा रही है। कीप वॉचिंग, उसे कब मारना है मैं बताऊंगा। क्यों बुलाया था? बोलो बोलो। सर, आई हैव अ क्लीन शॉट टू द टारगेट। होल्ड। बोलो बोलो, क्या है बोलो ना। कुछ नहीं, आईजी सर के बेटे का बर्थडे है, हमें इनवाइट किया, साथ चलने के लिए बुलाया था। ए, ये क्या बोल रहे हो? इसीलिए बुलाया था? हाँ। So, shall I? Hold on. Okay. इसीलिए पहले फोन पर प्यार से बात कर रहे थे? गुस्से में गई थी ना, तो कूल करने के लिए वैसे बात की थी मैंने, बस। सच बोलो। और क्या होगा? क्यों बार बार वही बोल रही हो? अगर नहीं आना चाहती तो मत आओ। तुमने प्यार से बात की तो मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, यही सोचकर आई थी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हर समय प्यार प्यार करती रहती हो और कुछ नहीं सोच सकती तुम? देखो, मैं तुमसे प्यार प्यार नहीं करता, वो इस जन्म में मुझसे नहीं हो सकता, प्लीज। क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? ऐसे बात करने के बजाय एक ही बार में मार दो ना मुझे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमसे मैंने प्यार किया। अबॉट। एनी प्रॉब्लम सर? जो बोला है वो करो। राइट सर। लकी, तुम्हारी बातें हर पल मुझे बहुत hey, और कितनी बार बोलूं? चले जाओ यहां से।
Hey, sweetheart. How's your day? I have a feeling it's gonna get better. अभी सिद्धार्थ से छुपकर प्रीति से मिलने के लिए 4 बजे की अपॉइंटमेंट ली है मैंने। एक मिनट रुको। देखो आगे से मेरी हेल्प करने के लिए प्रीति से ही नहीं किसी से मत मिलना। मेरी बात समझ रही हो ना? उससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अपॉइंटमेंट लिया था। सिर्फ तुम्हें कूल करने के लिए कहा था। बोलो इशिका। नहीं तो मत आओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं अभी मंदिर जा रहा हूं, वापस आकर मिलता हूं। तेरा बुरा टाइम आ गया है, लिख के ले ले। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे नहीं पता है तुम्हारे हाथ लगेगा या नहीं। ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे इसे देखने तक मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। ढूंढो उसे। भरोसा करना होगा प्रीति। ये रिपोर्ट्स मिस इंडिया फाइनल कमेटी ने दिए हैं। आपके पिताजी की मौत की खबर आपके रैंप पर फाइनल वॉक के पहले बताई गई थी। तब टाइम था 7:15, लेकिन आपके पिताजी की मौत 7:45 में हुई थी। सिद्धार्थ ने आपके पिताजी का एक्सीडेंट करवा कर मारा था। आपको इमोशनली डिस्टर्ब करके उसी पर डिपेंड होने पर मजबूर कर दिया। आपकी जगह नैना को मिस इंडिया बनाकर उसे बिजनेस में पूरी तरह से यूज कर रहा है। दिस इज द FIR एंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये सिद्धार्थ के कुछ क्राइम्स के बारे में रिकॉर्ड्स हैं। अब सिद्धार्थ पर भरोसा मत करना प्लीज। ये अक्षरा के पेरेंट्स हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इस फाइल में। अक्षरा हमेशा रिसर्च के बारे में सोचती रहती थी। हमने सोचा ही नहीं था उसके साथ ऐसा होगा। कल जो CM की मीटिंग होने वाली है उसमें ये अनाउंस करने वाले हैं कि जेनरिक मेडिसिन नहीं आएगी। ऑलरेडी जो समझौते हैं वही कंटिन्यू होंगे। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको फैक्स कर दिए हैं। ऐसा नहीं होगा, जेनरिक मेडिसिन इंडिया में आना ही चाहिए। प्रीति इस फाइल को रिप्लेस कर दो, बस इतनी हेल्प कर दो। थैंक्स।
कार कीज। सर बोलिए। धीरज हैंग ऑन अ मिनट। पापा को प्रेस मीट के लिए लेके जाओ, सीएम के आने से पहले इन्फॉर्म कर दो। आई विल जॉइन यू। इस पॉलिसी की वजह से हमें बहुत फायदे होंगे। हेलो रविंद्र, आपने अब्बास को फॉलो करके अच्छा किया। उसे खुद बोला कि अक्षरा का रेप करके उसने मर्डर किया है और अपनी जगह पर चार लड़कों को फंसाया है। ड्रग्स के नशे में ना जाने वो क्या क्या बकिया जा रहा है। ये मैसेज मुझे दीपक ने किया था। ना तो फोन उठा रहा है ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। आई सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। मुझे पता है अब्बास को रामनगर में पकड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं है मुझे। मैं एक छोटा सा ट्रिक प्ले करूंगा। इरफान को कॉल करके सिद्धार्थ की आवाज में पूछूंगा कि तेरा भाई कहाँ है। तुम लोग उस वक्त अपनी टीम लेके रामनगर आ जाओ। चाहे कुछ भी हो, आज अब्बास अरेस्ट होकर रहेगा। कॉल अब्बास। आ गया फोन। कॉल इरफान। इस टाइम किसका फोन आ गया? हेलो, कहाँ हो? सर काम पे हूँ सर। अब्बास कहाँ है? भाई वो रामनगर के गेस्ट हाउस में है सर। धुआ अब्बास को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहा है। अब्बास की डिटेल पता करने के लिए मेरी आवाज में बात करके तुम्हें चीट कर सकता है। केयरफुल रहना, ओके? मैं खुद ही बहुत बड़ा चीटर हूँ सर, मुझे कौन चीट करेगा? मैं देख लूंगा, छोड़ दीजिए सर। रविंद्र, इरफान को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब्बास मोइनाबाद फार्म हाउस पे ही है, ये उसकी फोन सिग्नल्स को ट्रेस करके पता चला है। मैं वही जा रहा हूँ, तुम भी अपनी टीम के साथ वही आ जाओ। कॉल इरफान। सर ने जैसा कहा किसी ने फोन किया है। हेलो। हे, तेरा भाई कहाँ है? रामनगर में है या मोइनाबाद फार्म हाउस में है? अबे ओ गली के कुत्ते, तूने क्या सोचा तू मिमिक्री करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ? अगर सिद्धार्थ है तो फिल्म में काम करना मेरे सामने क्यों कर रहा है बे? ए, तेरा भाई कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। कॉल धीरज चंद्रा। धीरज, आई एम ऑन माय वे। मैं प्रेस मीट के लिए नहीं आ रहा हूँ, पापा को बाहर लेकर आओ। ठीक है सर। ये इम्पोर्टेंट प्रेस मीट है, मैंने स्पीच तैयार कर दी है, इसमें हाँ। जो लिखा है एज इट इज पढ़ देना। हाँ। जैसा है वैसा ही है ना? पापा। राजा। सिर ऊपर। उसके बाद आईपीएस गौतम को जबरदस्ती ड्रग्स देकर उसे हाईवे पर छोड़कर हमने ही मरवाया था। मैंने सिद्धार्थ के कहने पर ये सब किया, मुझे छोड़ दो। आदरणीय स्वास्थ्य शाखा मंत्री श्री जंगल नायडू जी जेनेरिक मेडिसिन के बारे में एक मुख्य घोषणा करने जा रहे हैं। सबको नमस्कार। जब मैंने स्वास्थ्य शाखा मंत्री की शपथ ली थी तब राज्य को स्वस्थ, समाज को बिना किसी बीमारी में बदल दूंगा इसकी भी शपथ ली थी। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा। हे, ये क्या है? कैंसर बीमारी से संबंधित जेनेरिक मेडिसिन को कम दाम में देने के लिए एंजेलिना जी अच्छे मन से आगे आई थी तो उनके व्यापार में घाटा हो जाएगा। इसे कैसे भी करके रोकने के लिए सीएम साहब को कहा। उस वक्त बड़ी मात्रा में पैसा इधर का उधर हुआ था, उनके हाथों माइनॉरिटी सरकार के मुख्यमंत्री कठपुतली बन गए। एंजेलिना की हत्या से पहले उन्होंने जिन पेपर्स पे दस्तखत किए थे उन्हें सीएमजी की ऑफिस से चोरी करके अपनी जान को खतरे में डाल करके वो कागज में लेकर आया हूँ। ये देखिए, वो डील के पेपर्स जनता के लिए मैं चोर बन गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? आपका दिमाग खराब है। पागल को इसे पढ़ने के लिए किसने कहा? सब चिल्ला क्यों रहे हैं? नो, मेरा बेटा बहुत समझदार है, आगे की सोचता है। बेटे ने कहा था कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। लगता है अब समय आ गया है। वो आ गया, चलो। अब्बास। 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 हे, गेट अप अब्बास। कुछ नहीं बताऊंगा। गेट अप। कुछ नहीं बताऊंगा। हे। अब्बास। कुछ नहीं बताऊंगा। बता, तूने उनसे क्या बोला? नहीं। तू होश में नहीं है। अब्बास। अब्बास। हे, गेट अप।
बोल बे अब्बास। हे अब्बास। हे अब्बास। गो अब्बास। गो शूट। सच बोलूंगा, गौतम को कार से ठोक दिया, लेकिन कार से मारने वाला मैं नहीं था, वो था सिद्धार्थ। शिट, किसने मारा होगा इसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था। इट बेटर बी गुड। कितनी बार कॉल करोगे? सर, आपके पापा आपकी स्पीच पढ़ने के बजाय कोई और ही स्पीच पढ़ रहे हैं। सीएम जी के अपराध बाहर ला रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। कुछ और पढ़ रहे हैं? हाँ सर, सारी प्रेस देख रही है। सारे कार्यकर्ता गुस्से में चिल्ला रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि वो और कुछ बोले, दिल के दौरे का नाटक करने के लिए कहो। हॉस्पिटल में एडमिट करके मुझे कॉल करो। हाँ, ओके सर, मैं आ जाऊंगा। ओके। ये माइनॉरिटी सरकार है। रुकिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके बेटे ने नहीं लिखी है, बदल गई है। बदल गई है? हाँ बदल गई है। किसने बदला? माइक। ए माइक बंद कर। धीरे बोलिए। हाँ, धीरे। दो धीरज, अब क्या करेंगे? दिल के दौरे का नाटक करके अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। ऐसा मेरे बेटे ने कहा है। अरे हाँ सर। सुनिए, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। दिल इधर नहीं, उधर। बाप रे, इसे भी बदल दिया। एम्बुलेंस, जल्दी बुलाओ। आइए, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। हटो हटो, जल्दी चलिए। मुझे कुछ नहीं पता। चलिए सर, मैनेज करता हूँ। इस जेनेरिक मेडिसिन की खुशखबरी को मैंने ही जंगल लैडू के हाथों में देकर पढ़ने को कहा। उसने क्यों ऐसा बदल कर कहा पता नहीं। उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। जियो पास करेंगे, कल ही जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी। परफेक्ट। सर, आपके पिताजी ने इसे पढ़ा था सर। बेटा आ गया तू? हार्ट अटैक का मतलब पता चल गया मुझे, सोचा नहीं था दोबारा देख पाऊंगा। क्या है ये, जो मिल जाएगा पढ़ दोगे? तुमने ही तो कहा था जैसा वैसा पढ़ देना। यू आर सो स्टूपिड। फिर से इंग्लिश में डांटना शुरू कर दिया। आपको देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी सुनाओ राजा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। एक गांव में एक राजा था। पता है, उस राजा के सात बेटे थे। तुम बोलो राजा। जब इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया तो वो एक बंदर ले आया। ये लो, उस बंदर को सब कुछ सिखाकर एक सैनिक बनाकर अपनी रक्षा में रख लिया। 24 घंटे वो बंदर राजा की रखवाली करता था। अरे वाह। एक दिन जब राजा सो रहा था तो एक छोटा सा मच्छर राजा की नींद खराब करने आ गया। अच्छा। उस बंदर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मच्छर नहीं भगा पाया। फिर वो मच्छर जाकर राजा के गले पर बैठ गया। अरे बाप रे। बंदर ने गुस्से में आकर एक बड़ी सी तलवार उठाई और राजा के गले पे बैठे हुए मच्छर को एक ही वार में मार दिया। मच्छर तो मर गया होगा ना? क्या, तलवार से मारने पर भी नहीं मरा? ओहो, तो नहीं मरा। क्या हुआ राजा, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है? अभी सीएम के कैंप ऑफिस से कॉल आया था, तुम्हारे पिताजी को इस्तीफा देने को कहा है, वरना वो खुद ही सस्पेंड करेंगे बोलकर धमका रहे हैं। सर, यस ध्रुव। सिद्धार्थ अभिमन्यू ने इरफान के भाई अब्बास का खून किया है और उसका वीडियो एविडेंस उसके पास है। एक इन्फॉर्मर की तरफ से यह खबर मिली है। रात तक वो एविडेंस मेरे पास होगा। सिद्धार्थ के अगेंस्ट मेरे पास और भी एविडेंस है, तो कल सुबह सिद्धार्थ को अरेस्ट करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट और पूरी फॉर्मेलिटीज मुझे चाहिए सर। व्हाट? सिद्धार्थ अभिमन्यू को अरेस्ट करोगे? वो एक साइंटिस्ट है, जानते हो, वो एक मिनिस्टर का बेटा है, यू नो दैट? सर, शायद आपको लेटेस्ट न्यूज पता नहीं है, रूलिंग पार्टी उसके खिलाफ है। यू डोंट बिलीव मी, यू कैन चेक। आर यू श्योर? यस सर। सर, सिद्धार्थ के खिलाफ एसीपी ध्रुवा एविडेंस के साथ आया है। यस सर। एविडेंस स्ट्रांग है तो इमीडिएटली एक्शन लेने को कहा है। सीएम साहब से शाम को एविडेंस के साथ मिल लो। श्योर सर, आई विल गेट रेडी फॉर द मीटिंग।
सर 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 आप पीछे हटिए, हमें कुछ भी नहीं पता। सर सर आप पीछे हटिए, प्लीज हटिए प्लीज। इरफान सर, उसने मेरे भाई को मार दिया सर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ध्रुवा तुम्हारे भाई को मार देगा। मुझे पता ये वो कहाँ है, मैं उसे काट डालूंगा। वो मैं देख लूंगा, पहले तुम एक काम करो। बोलिए सर। मेरे पापा को मार दो। सर पापा को मार दूं? वो दलदल में फंस गए, उन्हें बचाने जाएंगे तो हम भी मरेंगे। मारने के बाद कॉल करो। ठीक है सर। सर जैसा आपने कहा था, पिताजी को हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे ड्राइवर ने मार दिया सर। जान चली गई ना, तुमने चेक कर लिया? मेरी आंखों के सामने ही जलकर राख हो रहे हैं। हाँ, वो रिंग रोड पास में ही है ना? नमस्ते सर। अब दुखी होने से क्या फायदा, उस वक्त सोचना चाहिए था ना। पापा के साथ ऐसा क्यों किया सर? नहीं तो तमाशा देखता रहूं क्या? वो जो बोलता रहा है मैं बैठकर देखता रहूं? पार्टी का फैसला है इसलिए सस्पेंड करके छोड़ दिया। अगर मैं होता तो इससे भी बड़ा एक्शन लेता। इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है सर? बेरहमी से मेरे पापा को मार डाला। ए, मैं तुम्हारे पिताजी को? सर विल यू प्लीज वेट। आप सबने सुना था ना, आप सबके सामने धमकी दी कि सबसे बड़ा एक्शन लेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को क्यों मारूंगा? सच में तुम्हारे पिताजी मर गए क्या? ये क्या है सर, खुद उनकी जान लेकर पूछ रहे मर गए क्या? मैं कैसे मर? आपके खिलाफ दो शब्द क्या बोल दिए आपने, उनके कार को ट्रक से टक्कर मरवा दी, जलकर राख हो गए सर। किसी के कहने पर तू मुझ पर? कोई नहीं सर, ट्रक का ड्राइवर कह रहा है सीएम ने मारने को कहा, सीएम ने मारने को कहा। जंगल नायडू को मैं क्यों मारूंगा? मैंने ही एमएलए बनाया था, मैंने ही मिनिस्टर बनाया था, जंगल नायडू को मैंने नहीं मारा। पता है मैंने ही मारा है। किसी ने मेरे नाम का वारंट इशू किया है। वो आसपास के लोगों ने कहा था तो? लोग कहेंगे तो कर दोगे? 57 लोग तेरी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में मेरी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्या करोगे? वारंट? तुमने अपने ही पिता को कैसे मार दिया? आदत है, समझ में नहीं आया? 20 साल पहले जो हत्या तुमने की थी, तुम्हें लगता है मैं उसके लिए जेल गया था? मैंने गुस्से में उसे टेबल पर दे मारा था, तब कांच का टुकड़ा उसके गले में आकर। जब उसे कांच लगा था तभी फैसला कर लिया था कि पापा को एमएलए बनाना है। मैंने जेल जाने का फैसला किया लेकिन वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। मुझे मौके बनाना अच्छी तरह से आता है, और अगर वो मौका हाथ से निकलने लगे तो उसे बचाना भी। अब मैं क्या करूं? पापा की जगह जो आदमी आएगा वो हमारा आदमी होगा। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में की जाने वाली गवर्नमेंट की घोषणा मेरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई एविडेंस लेकर आए तो पहले मुझे बताना होगा। उनकी अस्थियों को 21 बंदूकों की सलामी देकर सरकारी औपचारिकताओं के साथ अंतिम विदाई देनी होगी। मैं उनका भला करूंगा ये सोचकर उन्होंने मुझे वोट दिया, मैं उनके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? हमेशा अच्छे काम करना भगवान के लिए भी मुमकिन नहीं, तो हम क्या चीज है? Deepest condolences. अच्छाई पर बुराई चाहे जितनी बार भी जीत जाए, लेकिन अच्छाई को सिर्फ एक बार ही जीतना होता है। Positions.
20 साल पहले जब तुम्हें देखा था तो घबरा गया था कि इस देश का क्या होगा। 20 साल बाद इसे देखने के बाद गर्व हो रहा है मुझे। दुनिया भर में अपने देश में ही शुगर पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। कोरोची नाम के सी वीड्स के टुकड़े हमारे समुद्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उनसे डायबिटीज के लिए कम दाम में मेडिसिन तैयार की जा सकती है और ये दवा उसका परमानेंट क्योर हो सकता है। ये मेरी मेहनत का फल है, लेकिन सिद्धार्थ मुझसे ये फॉर्मूला छीन कर विदेश में बेच कर पैसे कमाना चाहता है। अगर सिद्धार्थ ने ऐसा किया तो आने वाले 10 सालों तक हमारे देश को ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। उस मेडिसिन को जल्द ही मार्केट में लाने की दुराशा से टेस्टिंग पूरी किए बिना ही उसने 18 बच्चों को वो दवा देकर बेरहमी से मार दिया, और जब तक तुम्हें वीडियो मिलेगा तब तक वो मुझे भी मार चुका होगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब ये वीडियो ही उसके अपराधों का आखिरी सबूत है। अक्यूज के सभी क्राइम्स में अब्बास अली ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए उसे मार दिया। धीरज चंद्रा, जयंत सूरी, इरफान अली, इन तीनों के साथ मिलकर सिद्धार्थ इस देश को लूट रहा है सर। ये है उनकी सारी रिपोर्ट्स। Yes, sir. सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। Whatever he said is right. मिस्टर सिद्धार्थ, अगर कल तक आपने इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मतलब होगा कि आपने इन अपराधों को कबूल कर लिया है। आज सिद्धार्थ अभिमन्यु को सब जेल लेकर जाने का स्पेशल कोर्ट आदेश दे रही है। मिस्टर ध्रुआ, टेक चार्ज। ओके सर। फोन। एक्सक्यूज मी सर। इट्स ओके। कल शाम को 5:30 बजे मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। तूने उसे अरेस्ट किया, एनकाउंटर के बारे में हम पर छोड़ दो। उसे कुत्ते के जैसे मार डालूंगा, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। उसका बदला हम नहीं लेंगे, गौतम लेगा। इसीलिए उसे हमारे गौतम के पास भेज देंगे। हाँ यार, उसके लिए एनकाउंटर प्लेस भी डिसाइड कर लिया है। कल जब उसे कोर्ट लेकर जाएगा, विजयनगर की बजाय हिमायत नगर साइड डाइवर्ट कर, बाकी हम देख लेंगे। सिद्धार्थ, ये माइक बग टेक्नोलॉजी, कुछ देर इसके बिना बात करें क्या? शायद बग ने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। बहुत। विजय, 5 मिनट्स। मेरे पास एक अच्छी डील है। डील? आई लाइक डील्स। कितने चाहिए? 100 करोड़? 200 करोड़? 200 करोड़। तुमने जिस मेडिसिन का बिजनेस करने के लिए अक्षरा को जान से मार दिया, अब वो पेटेंट राइट्स उस लड़की के नाम करवा रहा हूं मैं। आखिर में अक्षरा की मेहनत का फल मिलना तो चाहिए। कैसा फल? वो मैंने खोजा था। उसे तो फॉर्मूला भी नहीं पता। कोई कुछ भी कह देगा और तुम पेटेंट बदलवा दोगे। दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए मैंने उसे खोजा था। पता है, उसने नहीं कहा, मैंने ही कहलवाया है। उस मेडिसिन को सिद्धार्थ नहीं खोजा है, लेकिन उसे वो विदेश में बेचकर कैश करना चाहता है। इस बात को लेकर मेरी सिद्धार्थ से बहस भी हो गई थी। मैंने उसे कहा था ऐसा करना ठीक नहीं है। उसने कहा वो मेरी मेहनत का फल है। इस दवा को मैंने खोजा है और मैं ही इसे कैश करूंगा। उसने जो मेरी मर्जी से कहा, उसे उसकी मर्जी से एडिट कर दिया। जिस मेडिसिन को तूने खोजा था, उसे उसकी खोज बना दी। प्लेड स्मार्टली। मेरे पास जो है तुमने उसमें से लिया है 0.00001%। शायद अब तक तू अपनी सिचुएशन पूरी तरह से समझ नहीं पाया है सिद्धार्थ। एक इंसान को 8 तरीकों से डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय कर दिया। कीर्ति, बुद्धि, पावर, इमोशन, हिम्मत, पैसा, मोरालिटी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अष्ट दिग बंधनम। जिस फेम को तूने कमाया था, उसे तुझसे दूर करने के लिए अक्षरा के केस में एक छोटा सा ट्रिक प्ले किया। वही है नंबर 1, कीर्ति। जरा वहां देख। औरतों को आड़े रख के जीना कोई जीना होता है? मनहूस कहीं का, बर्बाद हो जाएगा। उसे फांसी लगाओ। थू, अगर मेरे सामने आया तो झाड़ू से मारूंगी। पेटेंट राइट्स बदलकर फ्यूचर में तेरी साइंटिस्ट की पहचान को खत्म कर दिया। नंबर 2,
बुद्धि। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक नंबर का क्रिमिनल है, कमी ना कहीं का। पद्मश्री छीन कर इसे फांसी दे देनी चाहिए। तेरे आगे पीछे घूमने वाले एमएलए से सीएम तक सबको तेरे खिलाफ करके तेरी पावर को खत्म कर दिया। ये है नंबर 3 पावर। एक फंक्शन में साथ बैठा था इसीलिए कैजुअली बात कर लिया। उससे लिंक करके मुझे बुरा बना दोगे? अब कभी उसके बारे में मुझसे मत पूछना। ऐसे इंसान पर जितने केस बनते हैं उतने बनाकर अंदर कर दीजिए सर। नंबर 4 इमोशन। प्रीति को धोखा देकर तूने उसे अपने करीब किया। मैंने उसे सच बताकर उसे तुझसे दूर कर तेरे इमोशन पर वार किया। नंबर 5 तेरी हिम्मत। तू क्राइम करने के बाद कभी डरता नहीं था, लेकिन अपने पहले अटैक से मैं तुझे डराना चाहता था ताकि तू ज्यादा सावधानी बरते। डर लगा था ना, इसलिए तूने मुझे बग लगाया। मुझसे डर कर तूने मेरे आसपास गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। वैसे तुमने अभी क्या कहा था, 200 करोड़? अभी तुझे 10 रुपया भी चाहिए होगा तो मेरे सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तेरे सारे नेशनल इंटरनेशनल अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। दिस इज 6 पैसा। थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ते ही सोचने की शक्ति खोकर जानवर बनकर तू क्या करता है तुझे खुद पता नहीं होता, और तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिस इज 7 मोरालिटी। सर जैसा आपने कहा था, पिताजी को हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे ड्राइवर ने मार दिया सर। जान चली गई ना, तुमने चेक कर लिया? मेरी आंखों के सामने ही जलकर राख हो रहे हैं। इक्कीस गन सल्यूट्स के बीच सरकारी औपचारिकताओं के साथ पता है तूने किसकी अस्थियों का नमन किया था? तूने जिसे बेरहमी से मारा था मेरे दोस्त आईपीएस गौतम की थी। वो अस्थियां आईपीएस गौतम की थी, ये बात सभी जानते थे तेरे अलावा। तेरे जैसे दरिंदे का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सब कुछ इस धरती से तेरे अस्तित्व के साथ नामो निशान मिटाने की प्रक्रिया है। और अब तू 0.0001% भी नहीं है, 0। 8वां क्या है? मौत है ना, उसे कैसे डिसाइड किया है? वो डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? ऊपर वाला डिसाइड करता है ये। और इस बात से अनजान बहुत सारे मिनिस्टर्स और क्राइम पार्टनर्स कोर्ट में तू क्या कहने वाला है इस डर से तुझे मारने के लिए तैयार है। कोर्ट तक तू सेफली पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। अगर पहुंच भी गया तो तुझे 2 बार उम्र कैद की सजा दिलाए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा। सो तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा। वो क्या है तो हम करें क्या डील? मैं खुद मरकर भी उसे मारना चाहता था, लेकिन अब जो कह रहा हूं सुनो, उसे जीना होगा। व्हाट? उसे जीना होगा? उसने अपने गौतम को मारा था यार। यार जिसे खत्म करने से 100 क्रिमिनल्स खत्म होंगे, उसे ही खत्म करने के लिए सिद्धार्थ को चुना था मैंने। लेकिन अगर सिद्धार्थ जिंदा रहकर अपना मुंह खोले तो 1000 क्रिमिनल खत्म हो सकते हैं। उसके नेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के साथ बहुत कनेक्शन है, वो सारे हमें चाहिए। ऐसे सपने के लिए ही अपने गौतम ने अपनी जान दे दी। जिसने गौतम को मारा और उसे मारने के बदले से अगर मैं अपना लक्ष्य बदल दूं तो उसके बलिदान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इतने दिनों से मैंने सही कहा या गलत ये सोचे बिना मेरी बात पर यकीन करते आए हो, तो अब भी मेरा यकीन करो यार। ये तुम्हारी जान बचाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है। डील बहुत सिंपल है सिद्धार्थ, तेरी जिंदगी तेरा फ्रीडम मैं तुझे लौटा दूंगा। एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट से ना डरने वाले बड़े बड़े क्रिमिनल्स आज तुझसे डर रहे हैं सिद्धार्थ, क्योंकि उनके सारे सीक्रेट्स और कनेक्शंस और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारे पास है। एंड आई नीड इट। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो, बाहर जाने के बाद मेरे डिपार्टमेंट का बेस्ट शूटर तुम्हें शूट करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो तुम्हें मारना चाहते हैं उनकी नजर में तुम मर जाओगे। गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंडर तुम्हें सेफ रखने की जिम्मेदारी मेरी है। देश को धोखा देने वाले बहुत से वीआईपीज का नकाब हटाने के लिए तुम्हारी मदद के बदले ये मेरा ऑफर है। डिसीजन इज योर्स। गिव मी 5 मिनट्स। श्योर।
राजा कैसे हो? तुमसे खुद को बचाने के लिए पुलिस के साथ आने की नौबत आ गई है। सबको मार के तुम अकेले ही जी के क्या करोगे राजा? सारे इंसान मिलकर जिए उसमें खुशी मिलती है। ये नहीं जान पाओगे तो उस बुद्धि का कोई फायदा नहीं। इतने दिनों से तुम्हारी हर बात मानी है, बस एक बात तुम मेरी मान लो बेटा, जैसा उसने कहा कोट पहन लो, पहन लो राजा कोट। बड़े बड़े नेता, व्यापारी और ऐसे कई लोग हैं जिनका भविष्य आज दांव पे है। आज कोर्ट में सिद्धार्थ क्या कहेंगे उसका सभी को इंतजार है। गुड चॉइस, कम रणवीर। बोलो ध्रुवा। सब कुछ तैयार है ना? टेक पोजीशन। ओके। क्या ये जैकेट स्नाइपर का सामना कर पाएगी? डोंट वरी सिद्धार्थ, ये टाइट 3 सेरेमिक फोर्स इंडियन टेस्टेड है, स्पेशली फॉर स्नाइपर्स। लेट्स सी। आदमी जहां खड़ा है वही तुम्हारा मार्क है। एग्जैक्टली उस मार्क पर पहुंचने के बाद मेरा शूटर तुम्हें शूट करेगा। रणवीर, आई एम एट द मार्क। तुमने जैकेट क्यों नहीं पहना? आठवीं मौत होने से कोई नहीं रोक सकता। जैकेट की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। सिद्धार्थ, गेट अप, समबडी कॉल द एम्बुलेंस। प्यार करने वाली मारना चाहती है और तुम दुश्मन होकर बचाना चाहते हो। सिद्धार्थ, स्टे विद मी। अष्टदिग बंधनम अप्लाई किया था, आठवीं मौत ही है जो होकर रहती है। सिद्धार्थ, स्टे विद मी, समबडी कॉल द एम्बुलेंस। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं मर जाऊंगा इसलिए या मैंने तुम्हें एविडेंस नहीं दिया इसलिए? जो तुमने मांगा था वो मैंने दे दिया। पूछो कैसे? सिद्धार्थ, बात करने का सही समय नहीं है। यही सबसे सही समय है। सोचो, थिंक अबाउट इट। जैकेट की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। तुम मेरे करेक्ट दुश्मन हो यार। जो तुम्हें चाहिए था दे दिया, देश के लिए या जनता के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आ, 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 आ,
अरेस्ट नहीं देखे होंगे, सारे देश में आंदोलन शुरू हो गए हैं। कई बड़े व्यापारी, राजनीतिक नेता पुख्ते सबूतों के साथ कानून को पकड़े गए। ये सब कुछ सिद्धार्थ अभिमन्यु ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए जिन खबरों को छुपा कर रखा उसी के कारण संभव हो पाया। इस एक्साइटमेंट से बड़ी एक्साइटमेंट बचपन में मैंने जो न्यूज देखी थी मुझे अभी तक याद है। 15 साल के बच्चे को पुलिस हथकड़ी पहना के लेके जा रही थी। उसने सोचा था कि क्या है, क्यों है। जब उसने न्यूज को बनाना शुरू किया तभी मैंने भी न्यूज को एनालाइज करना शुरू किया था। चारों ओर गंदगी में रहते हुए नाक बंद करके बदबू नहीं है ये सोचकर खुद को धोखा देना चाहिए या हिम्मत करके नाक से हाथ हटाकर उसे साफ करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। उस दिन मैंने जो सवाल किया था आज मेरी जिंदगी ही उसका जवाब है।